तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशातरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदादौ कीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ बराहपीडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासकनककपिशयं वैजयन्तिचमालं रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पुरयनगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिषस्तादगीतकीर्ति भजामि राधाङ्गमरविन्दनेत्रान् स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्तान् वदामि राधाङ्गकरुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जं प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनविरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद माताए पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव महाराज का चरित्र। वहाँ पर श्री मनु महाराज के जो तीन बेटियाँ और दो बेटे हुए हैं इसलिए हम लोग मनु महाराज से सृष्टि हुए हैं इसलिए हम लोगों को कहते हैं मानव। लेकिन अभी का जो साइंस साइंटिस्ट है वो लोग कहते नहीं हमारे पूर्वज लोग सब बंदर थे और ये बंदर का पूछ कटते कटते जब खत्म हो गया तो इंसान हो गए। लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं ये जो डार्विन का जो थियोरी ये डार्विन का थियोरी है
लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं ये डार्विन का जो पिता माता ना वो बंदर थे, लेकिन हमारी पिता माता बंदर नहीं थे। हमारे पिता माता तो भगवान राम है और ये भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव तुमैव विद्याम द्रविण तुमैव तुमैव सर्वम मम देव देव। हमारे कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह, जगत का जो पिता माता मैं हूँ। कृष्ण गीता में कहते हैं ममी वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, हे अर्जुन जगत में जितने जीव है वो सब के सब मेरे बच्चे हैं, ये हमारी गीता कहता है। इसलिए हमारे पूर्वज लोग बंदर कोई नहीं थे। ये डार्विन का फिर डार्विन ये बात क्यों कहता है, वो खुद मरने से पहले बोल कर गया, मेरे को सरकार ने मेरे को प्रेशर दिया था, बोले तुम ये चीज को प्रूव करके दिखाओ हमारे पूर्वज लोग बंदर थे, क्योंकि लोगों को नास्तिक ही बनाना चाहते थे, वो भगवान को विश्वास को खत्म करना चाहते थे, इसलिए ये बात को बोल कर गए। लेकिन ये थ्योरी हमारे भारत में पढ़ाई होती है, लेकिन अमेरिका में नहीं पढ़ाई होती। जिस देश में भगवान राम और कृष्ण जन्म हुए उसी देश में ये साइंटिस्ट लोग ये सब के सब बोलते हैं। लेकिन आप कुरान पढ़ो, ये मुसलमान का ग्रंथ है, वहां पर बताया अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। आप बाइबल पढ़ो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ, वहां पर भी बताए गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। कहती क्रिश्चियन का ग्रंथ ये कहता है भगवान ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया है, अपना जैसे रूप दिया है। इसलिए हमारी किसी ग्रंथ में नहीं बताता है हम बंदर से हुए हैं। हम किससे हुए हैं? हम भगवान से हुए हैं, ठाकुर जी से हम लोग हुए हैं। इसलिए आप लोग देखना हमारे भारत में सभी का गोत्र है। गोत्र है कि नहीं? आपका क्या गोत्र है? आपका गर्ग, आपका आपका सबको पूछो ये सबका सबका क्या है गोत्र, ये सब गोत्र कहाँ से आया है? ये हमारे पूर्वजों से आए हैं, जिनसे परंपरा हमारी चली है। कोई कश्यप है, कोई वशिष्ठ है, कोई गर्ग है, ये परंपरा वहां से आई है, हैं? इसलिए वो कहते हैं बंदर का पूछ कटते कटते इंसान हो गया। अभी कितने सारे बंदर घूम रहा है, कोई बंदर एक इंसान बना है अभी तक? तो उसी समय क्यों बंदर इंसान हो गए, अभी बंदर इंसान क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए भैया हमारे पूर्वजों कोई भी बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो भगवान राम हैं और भगवान कृष्ण हैं। अपना चेहरा को मिला करके देखो, भगवान राम कृष्ण से मिलता कि नहीं? भगवान का राम जी का जैसे नाक हमारे भी ऐसे नाक है, उनके जैसे आंखें हमारे भी है, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ। बंदर का कितना हाथ है? उसके चार प्यार है ना, हमारे चार प्यार क्या है? इसलिए ये मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं ये मानव कहलाते हैं। इसलिए आप लोग इसकी चक्कर में मत पढ़ना, नहीं पढ़ करके हमारे जो ग्रंथ कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है, हम उसको माननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते क्या तुमने भगवान को देखे हो? तुम जो भगवान भगवान कहते हो, क्या भगवान को तुमने देखे हो? जो चीज हमने नहीं देखा वो चीज हम कैसे मानेंगे? अभी अभी कहते ना सुन लो, क्या भगवान को तुम देखो जो भगवान भगवान कहते हो? देखो एक समय कहते अकबर का जो मंत्री था उसका नाम क्या? बीरबल। कहते ये बीरबल को अकबर ने दो प्रश्न किया था, उसका एक प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, और दूसरी प्रश्न है अगर भगवान है तो क्या कर रहे हैं। कहते तुमको ये दो दिन में इसका उत्तर देना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी अकबर आकर के बड़े चिंता में पड़ गए, बोले भगवान है तो कहाँ, मेरे को क्या पता भगवान कहाँ है, फिर भगवान कर रहे हैं क्या, मेरे को क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं। वो तो आकर बड़े दुखी हो गया। उसको घर में एक छोटा सा बच्चा था, बोले पिताजी आप इतने दुखी क्यों? बोले बेटा तू ये बात को नहीं समझोगे। बोले पिताजी बताओ तो सही बात क्या है? बोले अकबर ने मेरे को दो प्रश्न किया है,
अगर दो दिन में इसका उत्तर नहीं दे, वो कहता है कि भाई नौकरी जाएगी, अभी नौकरी जाएगी तो तुम्हें हम पालन कैसे करेंगे। बोले पिताजी इतने छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंता में पड़ गए, कोई चिंता मत करो, दो दिन बाद में जब आप जाओगे मेरे को साथ में ले चलना और इसका उत्तर मैं दूंगा। बोले तू दे दोगे? बोले पिताजी कोई प्रश्न है, कोई चिंता मत करो, अभी दो दिन बाद में जब अपना बच्चे को लेकर गए, अकबर ने पूछा बीरबल मेरी दो प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हो? बोले महाराज ये तो साधारण सा प्रश्न है, ये तो मेरा छोटा बेटा भी इसका उत्तर दे सकता है। बोले छोटा बेटा उत्तर देगा? बोले हाँ। बोले बेटा बताओ भगवान है तो कहाँ है? बोले आप 10 किलो दूध मंगाओ। तो उन्होंने 10 किलो दूध मंगाए। बोले महाराज ये बताओ दूध में मक्खन है कि नहीं? बोले है। बोले मेरे को दिखाओ। बोले ऐसे थोड़ी मक्खन दिखेगी, पहले गर्म करो फिर जमाओ फिर मंथन करो तभी तो उसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को गर्म करो तो फिर घी निकलेगा। बोले आप स्वयं कह रहे हो साधारण दूध में मक्खन है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। कहते उसी तरह आप कहते हो भगवान कहाँ है, इतने आसानी भगवान को दर्शन करना, जिसको पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यामे। कर जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग इतने कठोर तपस्या करते हैं, और जिनको एक बार दर्शन करने पर जीव ये भव बंधन से मुक्त हो जाए, आप क्या कहते हो भगवान कहाँ पर दर्शन कराओ? इसलिए महाराज जी उसके लिए साधन की जरूरत है। कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्रम रिचि। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी कठोर तपस्या करते हुए, बोले जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हो, आप कहते तो भगवान कहाँ दर्शन दिला? क्या लड्डू थोड़ी बनाए और खा लिए? राजा तो सुनकर बड़े खुश हो गए। बोले वाह छोटा बच्चा तो बढ़िया प्रश्न का उत्तर दिया। बोले बताओ भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले प्रश्न कौन कर रहे हैं? बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा? बोले तुम। बोले देखो बच्चा ने कहा जो प्रश्न करता है वो स्टूडेंट होता है, और जो उत्तर देता है ना वो टीचर होता है, और जो टीचर है वो ऊपर बैठता है, और जो स्टूडेंट छात्र वो नीचे बैठता है, तो उत्तर करता है उत्तर देता है। आप तो मेरे को प्रश्न कर रहे हो गए आप छात्र, लेकिन आप सिंहासन में बैठे हो, इसलिए अगर उसको उत्तर सुनना चाहते तो नीचे उतरो और मेरे को हाथ जोड़ करके। कृष्ण गीता में कहते हैं अगर कोई ब्रह्म तत्व को प्रश्न करना तो उसका 3 नियम है। बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इसलिए नियम है किसी गुरु जी को पास में पहले जाओ तो पहले प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, फिर प्रश्न करनी चाहिए। इसलिए अगर उत्तर सुनना चाहे तो ऊपर से नीचे उतरो और मेरे को सिंहासन में बैठाओ फिर प्रश्न करो। अभी राजा को उतरना पड़ गया। जब उतरना पड़ा बोले बताओ अभी भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान तो यही कर रहे हैं। बोले 1 सेकंड में रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। अभी आप सिंहासन में बैठे थे आप उन्होंने नीचे उतार दिया, और मैं प्रजा मेरे को क्या किया उन्होंने सिंहासन में बैठा दिया। राजा तो बड़े खुश हो गए। इसलिए अगर हमें कोई प्रश्न करता है भगवान है तो क्या देखे हो, बिना देखे चीज को हम कैसे मान सकते हैं? जगत में बहुत सारी चीज जो हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हम मानते ही नहीं। हवा दिखाई पड़ रहा है मानते कि नहीं? मान दिखाई पड़ता है, काम क्रोध दिखाई पड़ता है, लेकिन हम सबके सब मानते हैं। इसलिए बहुत सारी जगत में चीज है जो चीज हमें नहीं देखने पर भी चीज को हम मानते हैं। और भगवान कहते जिसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है उसको नहीं माननी चाहिए, जरूर उनको भी माननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते श्री मनु महाराज का जो बेटी हुई एक प्रसूति है जिसको साथ में दक्ष प्रजापति की शादी हुई, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन ये जवानी अवस्था में नहीं शरीर छोड़ी। बोले क्यों? बोले ससुर और दामाद की लड़ाई हो गई।
बोले शंकर तो शंकर सबसे छोटी बेटी उन्होंने शंकर जी को दिया था। शंकर तो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी है। जब सत्यम शिवम सुंदरम जो जोगी जोगी महाजोगी देव देव महादेव तो इनको साथ में लड़ाई किसी कारण से हुआ है। बोले जिस समय पितामह ब्रह्मा जी उन्होंने दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त की, कहते प्रभुता पाई और काम अदनाई। ये प्रभुता पोस्ट ऐसे की चीज है ना, किसको कोई बड़े पोस्ट मिल जाए जगत में, ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको बड़ा पोस्ट मिलने पर उसकी अभिमान नहीं आ जाए। इसलिए अभी उन्होंने अभिमान आ गया। एक समय कुंभ मेला में सारे देवता लोग बैठे हुए थे और सारे को सारे देवता तो आए, लेकिन ये दक्ष प्रजापति जान बूझ करके उन्हें लास्ट में आई। क्यों? मेरे को ये सम्मान देते ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रवेश किया सारे देवता लोग खड़े होकर के सम्मान दिए, लेकिन दो व्यक्ति केवल वहां खड़े नहीं हुए, श्री शंकर जी और पितामह ब्रह्मा। और दक्ष प्रजापति चारी तरफ में देख रहा था मेरे को देख करके कौन खड़ा होता और खड़ा कौन नहीं होता, ऐसे ऐसे करके देख रहा था। देखा के बोले दो व्यक्ति जब खड़े नहीं हुए, बोले पितामह ब्रह्मा तो हमारे पिताजी लगते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर जी तो मेरे दामाद लगता है और दामाद बेटे होता है, लेकिन मैं सबसे प्यारी सबसे छोटी सुंदरी बेटी को मैंने इनको शादी दिलवाया, एक तरह से मैं पिता लगता हूँ, तो मेरे को देख कर थोड़ा खड़ा भी नहीं हो सका। इतने में दक्ष प्रजापति को इतने क्रोध आया, भरी सभा में शंकर जी को उन्होंने ऐसे गाली दिए, ऐसे शंकर जी को गाली दिए उन्होंने। बोले देखो बंदर जैसे आंख कैसे लाल लाल करके बैठा हुआ है, इसलिए मैं ब्रह्मा जी बोलने पर सबसे छोटी बेटी को मैंने इनको साथ में शादी दिलाया, मैं तो उसको शादी देता ही नहीं, मैं सबसे प्यारी बेटी को शादी दिया और मैं आया तो मेरे को देख कर थोड़ा खड़े भी नहीं हो पाया। इतने उनके गाली दिया शंकर जी को, इतने गाली दिया। तब यहाँ पर प्रश्न होता है, फिर शंकर जी मेरे खड़े क्यों नहीं हुए? थोड़ी खड़े हो जाते ना उसमें बिगड़ता क्या, तो बिगड़ता नहीं, थोड़ी खड़े होकर सम्मान दे देते। तब हमारे टीकाकार कहते हैं ये शंकर जी कभी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि शंकर जी देवदेव महादेव, ये जोगी जोगी महाजोगी जगत गुरु श्री शंकर जी। फिर उन्होंने खड़े क्यों नहीं हुए? उसका दो कारण बताए। पहला कारण बताए, कहते तीन तरह के होता है संत, कहते कहते कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। कहते शंकर जी ये उत्तम वैष्णव है। कहते उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु जपसेत भगवत भाव आत्मन, कहते सभी के हृदय में परमात्मा को जो दर्शन करते हैं। कहते ये स्थूल शरीर को दर्शन नहीं करते हैं, वो हृदय में जो भगवान बैठे हुए वो उनको प्रत्येक जीव के हृदय में उनको दर्शन करते हैं। और शंकर जी कौन है? कहते ये वैष्णव नाम जथा संभो, कहते वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी, उन्होंने दक्ष प्रजापति के हृदय में उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने दर्शन किया। जब ठाकुर जी को दर्शन किया उन्होंने ठाकुर जी को ही उन्होंने प्रणाम किया, उसके हृदय में जो ठाकुर बैठे हुए। लेकिन ये कौन है? बोले ये दक्ष। बोले किस चीज में दक्ष है? बोले ये प्रजा सृष्टि में दक्ष है, भजन में दक्ष नहीं है। लेकिन शंकर जी किस में दक्ष है? प्रभु की भजन में दक्ष, श्री भोले बाबा। दूसरा कारण बताते हैं, कहना जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते इन्होंने जब उन्होंने भगवान को उन्होंने प्रणाम कर लिया, कहते भगवान को अंदर में ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। जब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर लिया उनको हृदय में तो विश्व ब्रह्मांड है, फिर तो दक्ष प्रजापति का प्रणाम अपने आप हो ही गया। इसका तीसरा कारण कहते हैं, अब अक्सर करके देखना शंकर जी को कहीं भी देखो ये ध्यानस्थ होकर बैठे हुए रहते हैं, भगवान की भजन में अपना मन को ये लगा करके रखते हैं। इसलिए शंकर जी प्रभु की भजन में डूबे हुए थे, प्रभु की भक्ति में ही ये मस्त थे। इसलिए भजन का ये अधीन है, भजन में ये अधीन इनके हैं। इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने इनको
तरह तरह से देखे प्रजापति इनको गाली गलौज किया है। लेकिन जब गाली गलौज कर रहा था शंकर जी बैठे बैठे करके मुस्कुरा रहे थे। अगर आप किसको गाली दो कोई व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहे फिर क्या होगा बताओ, ज्यादा क्रोध आएगा ना। दक्ष प्रजापति को तो एकदम शरीर में आग लग गई, बोले देखो ये दुष्टों को मैं गाली दे रहा हूँ फिर बैठी बैठी करके ये मुस्कुरा रहा है। फिर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को तो गाली दिया, बोले भवा व्रता धरा जी चेता पाखंडी नस्ते भवंतु सत शास्त्र परिपंथी न। शंकर जी को गाली दिए, बोले जितने शंकर जी की भक्त होंगे सब के सब भ्रष्टाचार होंगे, मूर्ख बुद्धि वाले होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, इनकी पवित्र अपवित्र किसी रहेगा नहीं और भांग पीते रहेंगे, गंजा फूंकते रहेंगे, उनको तो शंकर जी के भक्तों को उन्होंने गाली गाली दिया। जब उन्होंने गाली दिए फिर तो वहां पर थे नंदी। अभी नंदी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले जितने सारे शंकर जी को शंकर जी के भक्तों को उन्होंने सब के सब नष्टाचार मोड़ दिया बोल दिए हैं, इनको सब पाखंडी बना दिए, बोले भैया तू बीच में कौन होता है हैं। फिर तो इतने में नंदी को तो बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने भी जितने ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने गाली दे दिया, बोले कलयुग में जितने ब्राह्मण होंगे ये सब के सब भीख मंगा होंगे और दर दर ये सब भटकते हुए फिरेंगे। अभी दोनों में तो सपासा भी होने लग गया। इतने में शंकर जी ने देखा भैया कहां स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ पर तो सपासा भी होने लग गया। शंकर जी बेमना होकर के खड़े हुए और शंकर जी वहां से चले गए। देखो एक चीज अच्छे तरह से समझो कि कौन कौन किसको गाली दिए। बोले एक तो भृगु ऋषि भी गाली दिए, श्री दक्ष प्रजापति भी शंकर जी के भक्तों को भी पाखंडी बोले और दूसरे तरफ में नंदी भी अभिशाप दिए। यदि ये दोनों को अभिशाप दिए, जब अभिशाप दिए ये फलीभूत होगा कि नहीं, ये जरूर फलीभूत होगा। और शंकर जी भी वहीं पर बैठे हुए थे, सब बात को सुन रहे थे, शंकर जी के भक्तों को भी गाली दिए, पर ये फलीभूत होगा कि नहीं, बोले फलीभूत होगा। क्योंकि शंकर तो कुछ बोले नहीं, कुछ भी बोले नहीं, शंकर तो चुपचाप चले गए। खैर हाँ देखो ये चीज को अच्छा तरह समझ लो, कहते यहाँ पर जो गाली दिए है शंकर जी का दो स्वरूप है। कहते एक स्वरूप शंकर जी की सदासिव स्वरूप है, ये जो सदासिव स्वरूप शंकर जी की, कहते एक विष्णु स्वामी संप्रदाय है जिसका आचार्य जो स्वयं शंकर जी, वहां से एक वैष्णव संप्रदाय निकलता है और शंकर जी परम वैष्णव है। शंकर ही हनुमान बन करके आए और प्रभु राम की उन्होंने भक्ति की है। वृंदावन में शंकर भी गोपीश्वर महादेव रूप में उनको भी पूजा होती है। इसलिए शंकर जी की जो असली स्वरूप है वो सदाशिव स्वरूप है। कहते जो ये सदाशिव स्वरूप को जो उपासना करते हैं शंकर जी उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवत प्रेम उनको प्रदान करके उनको भगवान के चरण में शंकर जी पहुंचा देते हैं। लेकिन इस शंकर जी का दूसरा स्वरूप रुद्र स्वरूप है। यदि रुद्र स्वरूप को जो उपासना करते हैं आप जिसको उपासना करेंगे उसना कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर में आएंगे कि नहीं, उनका कुछ ना कुछ गुण आएंगे। इसलिए अक्सर करके देखो शंकर जी के जितने भक्त सब राक्षस मिलेंगे। रावण किसको पूजा करता था, वो भी शंकर जी को पूजा करता था। ये बाणासुर भी शंकर जी को पूजा करता था हैं। कहते श्री भागवत में कथा था काशीराज भी शंकर जी को पूजा करता था, ये ब्रिकासुर भी शंकर जी की पूजा की। इसलिए शंकर जी की ये रुद्र स्वरूप को पूजा करने का वजह से इनके शरीर में ये तम रूप आया, ये तम गुण आया है, ये सबके सब राक्षस बने। लेकिन इनकी सदाशिव स्वरूप को जो उपासना करते हैं शंकर जी उनको भक्ति और उनको प्रेम प्रदान करके उनको भगवान की चरण भी प्राप्त कराते हैं। हनुमान भी तो शंकर ही है लेकिन वो राम की भक्ति प्रदान करते हैं। गोपीश्वर महादेव भी शंकर जी है, भगवान की चरण में ये भक्ति और ये प्रेम को प्रदान करते हैं।
इसलिए रुद्र स्वरूप को उपासना नहीं करके शंकर जी की सदाशिव स्वरूप को उपासना करनी चाहिए। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री सदाशिव महादेव की, बोले जय जय श्री राधे। और दूसरे तरफ में उन्होंने जो अभिशाप दिया है ब्राह्मण को, बोले ये कौन सा ब्राह्मण है, बोले ये कर्मकांडी ब्राह्मण है, ये भक्त ब्राह्मण नहीं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी को जो प्रेम करते हैं, कहते ना नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा जी की चरण के पूजा के, ब्राह्मण की चरण के ठाकुर जी स्वयं पूजा करते हैं, इसलिए ये कर्म कांडी को द्वारा जीव का भी कल्याण नहीं, ये कहते सही व उपासना का द्वारा भी जीव का कल्याण नहीं। ये दो रास्ता हमें त्याग करनी चाहिए, त्याग करके हमें वैष्णव धर्म को हमें अपनानी चाहिए, भक्ति धर्म को हमें अपनानी चाहिए। इतने में दक्ष प्रजापति तभी संतुष्ट नहीं हुआ, शंकर जी को अपमान करने के लिए उन्होंने कनखल में फिर उन्होंने यज्ञ किया। सबको तो उन्होंने निमंत्रण दिए, लेकिन केवल श्री शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए सी विहीन ये यज्ञ है। अभी सबके सब जा रहे थे, कहां पर यज्ञ में जा रहे थे, इतने में माता पार्वती कहते सती और शंकर जी कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे, और सबके सब जब जा रहे थे, माता सती तो देख देख करके इतने उतावला हो रही थी, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे बहनी लोग आए हुए होंगे, सारे दामाद भी आए होंगे, यही तो घर के लिए आनंद है, हैं? जब सबके सब पिताजी घर में जब उत्सव हो सबको बुलाते हैं घर में आते हैं, उसी समय सारे बहनी दामाद में भेंट होता है, पिताजी सबको भेंट देते हैं, यही घर गृहस्थी में आनंद है। अभी माता सती तो इतने उतावला हो गई, शंकर जी को बोले देखो आपका जो ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलो हम भी यज्ञ में जाएंगे, पिता हमें भी कुछ दान देंगे। बोले देखो घर से कोई निमंत्रण नहीं आया है, बोले ऐसे कुछ स्थान है बगैर निमंत्रण के भी जा सकते हैं, जैसे पिताजी के घर में हो, गुरु जी के घर में हो, ठाकुर का दरबार में हो, वहां पर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शंकर जी को पता है वो यज्ञ इसलिए कर रहे हैं, मेरे को अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। शंकर तो राजी नहीं हुए, लेकिन माता पार्वती कभी बाहर जाती है कभी अंदर जाती है कभी बाहर, लास्ट में शंकर जी को बिना बोले ही पार्वती सती चली गई। देखो यहाँ पर क्या शिक्षा देते हैं, अगर किसी स्त्री को अपना पिहर जाना तो पिता पति का आदेश लेकर के जानी चाहिए ना, बिना लेकर जानी चाहिए, बोलो माता है सब कैसा, अगर अपना पिहर जाना तो पति को आदेश लेनी चाहिए ना, बिना पति के आदेश में चले जाओ, बोलो क्या करते हो, अपने आप चले जाते ना, पति के आदेश लेते हो, लेते हो ना। लेकिन ये माँ सती ये जगदम्बा जगत जननी है, पर ये शंकर जी के आदेश पर क्यों नहीं गए, क्यों चले गए, बोले इसमें एक बहुत बड़ी रहस्य है। बोले रहस्य वह है, बोले जिस समय रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, उसी समय में शंकर जी अगस्त के चरण में वो सती को लेकर कथा सुनने के लिए आए थे, जब कथा सुनकर के वापस जा रहे थे उसी समय में ही रावण ने सीता जी को उठा करके ले गया, और भगवान राम हां सीते बोल करके लता पता वृक्ष को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को कहीं देखे हो। उसी समय शंकर जी ने देखा, देखो प्रभु की क्या विचित्र लीला है, ठाकुर जी कितने सुंदर लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी जो घटघट वासी सर्व अंतर जामी, रावण किसको उठा करके ले कर गया, सीता को थोड़ी लेकर गया, वो तो छाया सीता थी, वो नकली सीता थी, वो सीता थी नहीं, लेकिन प्रभु कैसे जीव को शिक्षा देने के लिए कितने विचित्र लीला कर रहे हैं। इतने में शंकर जी सती को दूर से ठाकुर जी को परिक्रमा लगा रहे थे, इतने में सती ने प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप जिस परात पर परम ब्रह्म भगवान राम की मुझे कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना कोई ये साधारण जीव है, ये बात मेरे को पता छाया सीता को उठा करके लेकर गए और कहा, अभी वो अशोक वाटिका में, ये तो मेरे को पता,
अगर वो घट घट वासी सर्वंतर ज्यामी होते फिर उनको क्या पता नहीं ये बात। शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, सती बोले मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, ऐसे थोड़ी मैं विश्वास कर लूंगी, मैं परीक्षा करूंगी। इतने में सती ने क्या की, सीता का रूप धारण करते हुए उन्होंने परीक्षा की। जब उन्होंने परीक्षा की इतने में भगवान राम तो पहचाने गए, बोले माता जी शंकर तो उधर से चले गए, अब इधर कैसे आ गए हो? बोले प्रभु तो पहचान लिए। तब उन्होंने प्रणाम करके जब उठे, बोले सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने सर्वत्र उन्होंने देखा सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान बोले सती सीता मेरे से कहीं अलग नहीं, इसलिए सती शक्ति मतोर अभेद, हम कहीं अलग नहीं, हम एक ही है, केवल मैं लीला कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बड़े डरते हुए आई शंकर जी के पास में, देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना भैया, सीधा गलती को माफ, गलती मान जाओ, माफी मांग लोगे ना फिर गलती वहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करोगे, तीसरी गलती करोगे ना, देखना फिर तो फिर गड़बड़ी होती है। इसने फिर शंकर जी जब पूछे आपने कैसे परीक्षा की, बोले आप जो बोल रहे थे थोड़ी झूठा हो सकता है, तो सत्य है। फिर शंकर जी जब ध्यान लगाए उसने किस रूप में उन्होंने परीक्षा की, शंकर जी ने देखा है मेरे माता जी सीता रूप धारण करते हुए उन्होंने परीक्षा की, शंकर जी हृदय से पत्नी रूप में सती को त्याग दे दिया। इतने में देवता लोग स्वर्ग से पुष्प की बौछार की, बोले श्री भोले बाबा की, बोले आप ही ऐसे के व्यक्ति है, एक बार सती ने सीता रूप धारण किया तो हृदय से पत्नी रूप को त्याग केवल शंकर ही कर सकते हैं, ये चीज को कोई दुनिया में नहीं कर सकते हैं। इसलिए सती को कथा नहीं सुनाते हैं, बाम पार्श्व में बैठाते नहीं, सामने गुरु रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए सती बड़ी दुखी है, लगता है इसी रूप में और शंकर जी मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वो सुजोग ढूंढ रही थी, कहीं ऐसे सुजोग मिले जो ये शरीर को मैं त्याग दूं, मैं दूसरे रूप में आऊं तो शंकर जी हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो सती गई है वो इसी कारण से गई, नहीं तो सती शंकर जी के पति को आदेश बगैर कैसे जा सकती है, वो जा ही नहीं सकती, वो तो जगत जननी जगत अम्बा जगत जननी है, वो जो आदर्श रूप में रखेंगी जगत में तो वही चीज को सिख्या करेंगी। इसलिए उन्होंने चली गई, जब चली गई वहां पर देखा सबका भाग है श्री शंकर जी का ही भाग नहीं, पर जिस पिता से ये शरीर मिला है जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया मेरे को क्या बोलेगी, मैं किसकी बेटी हूँ, बोले दक्ष प्रजापति का बेटी हूँ मैं, ऐसे जो शिव जो दो अक्षर से जीव का जो कल्याण करने वाले जो सत्यम शिवम सुंदरम उनको विद्वेष करने वाले ऐसे पिताजी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि बहिर समझते भी परम स नहीं, भले ही अत्यंत प्रिय पात्र क्यों नहीं हो लेकिन जिनका प्रिय और सीता राम नहीं उनको करोड़ों शत्रु मान कर उनको त्याग दे देनी चाहिए। इसलिए सती बोले और ये शरीर को मैं नहीं धारण करूंगी, वहीं पर उन्होंने बैठ करके योगाग्नि से उन्होंने अपना शरीर को वहीं पर त्याग दी। इतने में शंकर जी के जितने चार लोग होते सबके सब बिगड़ गए, मारपीट करना शुरू किया, लेकिन वहां पर रिभु लोग उनको मार मार कर भगा दिए और शंकर जी को पास में आ करके बोले ऐसे ऐसे माता जी ने शरीर त्याग की। फिर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने जटा उखाड़ करके उन्होंने पटक दिया वहीं पर, पटकते ही वहीं पर क्या कौन प्रकट हुए वहां पर, वीरभद्र प्रकट हुए, बोले क्या आदेश है, बोले जाओ दक्ष जगत दक्ष की यज्ञ को ध्वंस विध्वंस करो। वो नाचते नाचते सबके सब आए लेकिन ब्रह्मा जी पहले नहीं आए थे, बोले क्यों, बोले जहां पर शंकर जी की अनादर है अगर वहां पर जाएंगे ना भैया दुर्गति जरूर है। इसलिए शास्त्र में बताया बोले छह तरह का संत को चरण में अपराध होता है, बोले हंती निंदंती वैदृष्टी वैष्णवा नाम जे अभिनिंदती क्रुद्धते जाति न हर्ष
दर्शनी पतनानी सक। बोले ये छह व्यक्तियों का पतन होता है। संतों के चरण में छह तरह से अपराध, कैसे? हंती, जो संतों को बद करते हैं, निंदंती, जो संतों को निंदा करते हैं, वैद्वष्टि, जो संतों को विद्वेष रखते हैं, जाति न हर्ष, जो संतों को देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं। कभी छह तरह से बताया जो संतों को चरण में अपराध। ये शंकर जी परम वैष्णव है, परम संत है भाई शंकर जी, जहाँ इनकी अपमान हो भैया वहां पर रखा नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को ये बात बता, ब्रह्मा जी कौन? कहते द्वादश महाजन में एक महाजन है, स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिल मनु, ये जो द्वादश महाजन में ये एक महाजन, ये हमारे पितामह ये ब्रह्मा जी। इसलिए उनको ये बात पता था, जहाँ संतों की अनादर भैया वहां पर नहीं जानी चाहिए, कभी भी वहां नहीं जानी चाहिए जहाँ संतों की अनादर हो। इसलिए उन्होंने पहले ही उनको पता था, इसलिए उन्होंने नहीं आए। और वीरभद्र वहां पर गए, किसका टांग तोड़े, किसकी आंख, जो शंकर जी के अपमान का समय पर जो आंख हिला रहे थे आंख निकाल दिए, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, जो दाढ़ी हिला रहे थे दाढ़ी को उखाड़ दिए, किसका प्यार तोड़े, किसको इतने दंड दिए, मार मार करके भगा दिए। शिक्षा क्या देते हैं? अगर कोई शंकर जी के चरण में अपराध करे, संकट संतों को अनादर करे, तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो भैया तुम्हारी रक्षा नहीं है। और लास्ट में क्या किया, शंकर जी की गला को काट कर जग्गे कुंड में उन्होंने सुहा कर दिया। और वहां से जब चले आए, इतने में पितामह ब्रह्मा जी फिर श्री शंकर जी को मनाने के लिए आए। शंकर तो परम वैष्णव है, तो थोड़ी सी प्रार्थना की तो शंकर जी संतुष्ट होकर के गए, पुनः यज्ञ को उन्होंने पूरी किया। ये लीला में पूरी ये शिक्षा देते हैं, भैया कभी संतों के चरण में कभी अपराध को मत करो। अगर किसी संतों के चरण में अपराध करोगे तो भगवान तक भी वो चीज को सहन नहीं करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे एक मिनट कीर्तन कर दो, सबके सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाती हुई कीर्तन कर दो। अभी जो मैं मंत्र बोलूंगा, ये कलिजुग का महामंत्र है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भैया सुधर काम कर, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलिजुग का ये महामंत्र है। आप लोग सबके सब मेरे पीछे बोलना। हमारे एक संत कहते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं उनको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है बोलो जोर से, क्या क्या हो जाता है तीन काम? मैं आज बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? ध्यान देकर सुना। जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं, क्या तीन काम होता है? कहते उसका पहला काम होता है, कहते श्री जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले रजिस्टर ले आ। चित्रगुप्त मतलब क्या? कहते गुप्त मतलब छुपा करके, चित्र मतलब फटो। हम संसार में जो कुछ कर्म करते हैं, अगर कोई सोचे हम 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में चारी तरफ में दरवाजा बंद करके मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको कौन देख रहा है? अगर दीन में करोगे तो ये सूर्य का किरण सब जगह पर, वो सूर्य साकी है। अगर रात को करोगे, ये रात सब जगह पर, ये 10 दिशा ये साकी है। कोई भी कर्म को हम कभी भी छुपा करके नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं वहां सबके सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब मरने का बाद ये सबके सब निकलेगा। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप में हमारी सारे फटों को जो ले रहा है, हैं? लेकिन देखो, जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम करते हैं ना, ये नाम की कितने महिमा, ये चीज वो समझो। वो कहते हैं पहला काम है चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते, बोले बेटा इधर आ जा रजिस्टर लेकर के। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को तू यहाँ से काट दे, ये कभी नरक नहीं आएगा, क्योंकि ये ठाकुर जी का नाम को जप कर रहा है, ये कभी नरक नहीं आएगा। बोले दूसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी आरती को थाला सजाना शुरू कर देती है।
आरती के थाली सजाना शुरू कर देते, बोले किस लिए, बोले ये व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है ना, इसलिए जब ये भूर भुव मोह जन तप और सत्य लोक को पार करेगा उसको हम आरती उतारेंगे, उसको हम आरती उतारेंगे। बोले तीसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले आ, बोले किस लिए, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ चढ़ा दे, व्यक्ति का नाम को लिख दे। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, मतलब इतने महिमा जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम को लेते हैं। और भगवान कपिल देव तो अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कर जिसकी जिह्वाग्रे संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिसकी जिह्वा की अग्र देश में भगवान का नाम को जो लेता है, बोले क्या समझो, ये पूर्व जन्म में ये चार काम करके आया है तभी इसी जीवन में कोई प्रभु का नाम ले सकता है, नहीं तो प्रभु का नाम नहीं निकलेगा है। बोले ये चार काम किया है, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ कर चुका है। पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितने हैं, 1 अरब कितना होता है, 100 करोड़। 6 अरब कितना हो गया, 6 करोड़ अरब तीर्थ उसने ऑलरेडी कर चुका है। दूसरा काम किया, बोले जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं ये पूर्व जन्म में कर चुका है। बोले तीसरा काम किया, बोले जितने तरह का तपस्या है पहले उसने सारे तपस्या कर चुका है। बोले चौथा काम किया, बोले जितने बड़े से बड़े दान हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, ये पूर्व जन्म में ये सब कुछ कर चुका है तभी इसी जीवन में वो व्यक्ति प्रभु का नाम को ले रहा है। इसलिए भगवान का नाम लेना इतनी आसानी बात नहीं, बड़े भाग्य से किसको जीवा से ठाकुर जी की नाम निकलता है। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे, ये भगवान का नाम कलयुग का संकीर्तन है, सबके सब मेरे पीछे पीछे ये नाम को करना। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। देखो और एक नियम क्या जानते हो, जब भगवान का कीर्तन करो ना ताली जरूर बजानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक संत दूसरे संत से पूछता है, बोले कहीं भी जाओ संकीर्तन में भैया सबके सब बोलते ताली बजाओ, एक संत दूसरे पूछ रहा भैया ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं, बोले भैया इसीलिए ताली बजाने के लिए कहते हैं, जो ताली बजाएगा ना उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर, बोले जो ताली नहीं बजाएगा। इसलिए सबके सब ताली जरूर बजाया करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे अपना आंगन में गेहूं नहीं तो दाल सुखाने के लिए दिया, लेकिन कोई चिड़िया आकर खा रहा है, आप बताओ भगाने के लिए क्या करते हो, ताली बजाते हैं ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ये पाप रूपी चिड़िया आकर के सर पर बैठ जाता है, लेकिन जब ताली बजाते हैं ना ये पाप रूपी चिड़िया ये उड़ जाती है, हैं? कहते दूसरा लाभ क्या, देखो ये सबसे बढ़िया लाभ है, ये ताली बजाने का कितने महत्व समझो, जब हम संसार में एक दुख ऊपर एक एक दुख के बाद में दुख आता रहता है, किसी तरह से दुख जाता नहीं, हम क्या करते हैं किसी ज्योतिष को पास में जाते, बोले भैया देखो तो हाथ ये दुख क्यों नहीं जा जा रहे, एक को बाद एक एक को बाद एक, क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख दूर कर देगा, कर सकता है क्या, वो बोल सकता है ये कारण है लेकिन दुख नहीं दूर नहीं कर सकता है, लेकिन दुख दूर कर सकता कौन कर सकता है, ठाकुर जी कर सकते हैं, ठाकुर जी कर सकते हैं। इसलिए जब हम भगवान की दरबार में ताली बजाते हैं, अगर हमारी रेखा
अगर थोड़ी उल्टा पुल्टा हो, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सैव ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन दिया है जो नहीं को है, जो है को नहीं कर सकता है। अगर भगवान की दरबार में ताली बजाओगे ना, हम ताली कब बजाते हैं, कहते भैया इनकी स्वागत में ताली बजा करके इनकी स्वागत करो। अरे यहाँ पर आप किसके स्वागत कर रहे हो, ठाकुर जी को स्वागत करते हो। इसलिए अगर ताली बजाओगे ना ठाकुर का कीर्तन में, अगर तुम्हारी रेखा थोड़ी इधर उधर हो, ठाकुर जी की कृपा से ये भाग्य रेखा ठाकुर ही बदला सकते हैं। इसलिए आप लोग ताली बजाओ, भाग्य रेखा बदल जाएगी। और ताली बजाओगे तो, और सबसे बढ़िया काम किया जाए तो, शरीर एक एक्यूप्रेशर नाम सुने होंगे, एक्यूप्रेशर नाम सुने हो, वो हाथ से सारे रामदेव बाबा का योगा देखे हो, वो कहते ना यहाँ पर दबाओ तुम्हारी आंख की तेज बढ़ेगा, यहाँ पर दबाओ हार्ट सही होगा, यहाँ पर दबाओ शुगर की बीमारी सही होगा, यहाँ पर दबाओ, अलग अलग बोलता है ना। लेकिन जब ताली बजाते उस हाथ का सारे पॉइंट से दबती है, इसलिए ताली बजाओगे तो सारे रोग भी तुम्हारी सही हो जाएगी। बहुत लाभ ताली बजाने का। इसलिए सबके सब जो जितने जोर से ताली बजाएगा उतना ही उसकी भाग्य रेखा बदलेगा और सारे बीमारी सहेगी, पाप और बिचड़िया भी जाएगी। ठीक है, सबके सब कीर्तन करना। और जो कीर्तन नहीं करेगा, जो कीर्तन करेगा उसको तो पाप उड़ जाएगी, और जो कीर्तन नहीं करेगा उसका सर पर सर पाप बढ़ जाएगी। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे कीर्तन करना। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, जगदान गली में राधे राधे, जगदान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसात में राधे राधे, काटी भी सूरत राधे वृंदावन में सब राधा जी का नाम बोलते हैं ना, किसके नाम बोलते हैं, जोर से बोलो जानते हो ये राधा नाम की कितनी महिमा। देखो ये शंकर पार्वती का संवाद आती है। एक समय माता पार्वती, अच्छे तरह से सुनो, हम कलयुग का जीव है ना, हम चाहते हैं परिश्रम कम हो और ज्यादा फल मिले, हम यही चाहते ना, परिश्रम कम हो और ज्यादा माल ज्यादा मिले, हम कलयुग है ना। देखो इसमें राधा नाम का कितना महिमा। कहते शंकर जी को एक समय माता पार्वती प्रश्न करती है
बोले प्रभु जी हम किसकी भजन करें, किसकी नाम को ले। तब शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम। बोले जितने आराधना में भगवान विष्णु को जो आराधना सर्वश्रेष्ठ है, तो माता पार्वती जो विष्णु सहस्र नाम जिसमें 1000 विष्णु का नाम, इसको रोज रोज माता पार्वती पढ़ती थी। एक दिन शंकर जी सबरे भोजन मांगे, बोले प्रभु जी पहले भजन नहीं हुआ भोजन की, बड़े जल्दी कर तो पहले भजन हो जाए फिर भोजन दूंगा। 1000 नाम करने के लिए तो समय लगेगा। शंकर जी बोले देखो पार्वती एक तुमको सरल उपाय बताता हूँ, कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ क्या है। बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे सुंदर पार्वती, जो राम का जो नाम है बड़ा मीठा नाम है, 1000 विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार राम का नाम से वो फल मिलेगा। बोले एक राम नाम के समान 1000 विष्णु का नाम। पार्वती बोली प्रभु फिर तो प्रभु राम का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती राम का नाम बड़ा मीठो नाम है। माता पार्वती राम का नाम लेती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी फिर भोजन मांगे। बोले प्रभु आप जल्दीबाजी करते हो, पहले भजन फिर भोजन, अभी तो प्रभु का भजन ही खत्म नहीं हुआ। शंकर जी बोले पार्वती एक तुमको एक और सरल उपाय बताता हूँ जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु क्या है। देखो ये श्लोक है। बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु चत फलम एक वित्वा तु कृष्णस्य नामैकतत प्रजच्छति। ये श्लोक है पुराण का। इसलिए कहते हैं पार्वती विष्णु सहस्र नाम को जो 3 बार करे, बोले 3000 विष्णु का नाम लेने से जो फल है, अगर किसने एक वृत्वा तो कृष्णस्य कृष्ण क्यों 16 गला में कृष्ण परिपूर्ण है, एक कृष्ण नाम के समान ये 3000 विष्णु का नाम है। मतलब एक बार अगर कोई कृष्ण बोल दिया ना, उसको साथ में 3000 विष्णु का नाम लेने का फल मिल गया और 3 बार राम का नाम लेने का फल मिल गया, क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, ये 16 गला में परिपूर्ण ये भगवान कृष्ण। बोले प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण है। जब उन्होंने ये की और कुछ दिन जब बात गई शंकर जी पार्वती को, बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा, ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो बता रहे थे कृष्ण परिपूर्ण है और एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिलेगा। बोले मैं नहीं बता रहा हूँ, स्वयं बांके बिहारी चंद्रमा को बोले थे। देखिए श्लोक है, कृष्ण खुद कहते हैं बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। कृष्ण चंद्रमा को कह रहे हैं बोले हे चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले, अगर एक बार श्री राधा रानी का नाम ले ले, बोले श्री राधा रानी की जय। बोले अगर कोई एक बार श्री राधा जी का नाम लेता है, एक राधा रानी का नाम में समान मेरे 100 नाम बराबर है। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसके नाम बोलते हैं, क्या जोर से बोलो और जोर से बोलो, सबसे राधा जी का नाम। ये कृष्ण स्वयं ये राधा जी का नाम महिमा कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए बोले भैया फिर तो राधे राधे बोलते रहो और कुछ भी नहीं बोलो, क्या बोलो श्री। बोले नहीं इसमें भी एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य, फिर क्या रहस्य है। बोले राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे आएंगे। बोले राधा जी का नाम लेने से वरना राधा रानी खुश नहीं होती है, और राधा जी का नाम से बिहारी खुश होते हैं। अगर तो बिहारी बिहारी जी बोलोगे ना कृष्ण कृष्ण और राधा रानी खुश होती है। बोले फिर तो कंफ्यूज में डाल दिया, बताओ क्या करे। बोले ये दोनों जुगल नाम लेनी चाहिए, ये दोनों का जुगल नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे, यदि जो हरे कृष्ण सब बोलो जोर से। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कभी ये महामंत्र है, बोले इसमें राधा जी का नाम है, कहाँ है इसमें? क्या हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? देखो अच्छे तरह समझो, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़े कोई बोल, संस्कृत तो कौन कौन पढ़े, हाथ उठाओ तो। देखो ये हरे शब्द कैसे होता है, जैसे इसका मूल शब्द हरा, जैसे लता शब्द लता लते लता लताम लते लता, संबोधन में क्या हो जाता है, हे लते, इसलिए इसका मूल शब्द है हरा। हरा मतलब होता है कृष्ण के मान को प्राण को चित्त को जो हरण करती वो हरा, आकारत स्त्रीलिंग, लेकिन इस संबोधन में हो जाता है हे हरे। हरे मतलब हे राधिके, ये हरे मतलब राधिके एक अर्थ। इसका जो साधारण जो अर्थ है ये हरे शब्द हरि हरि हरे, ये शब्द में हरि शब्द भी संबोधन में ये हरे होता है, लेकिन यहाँ पर जो महामंत्र में जो हरे शब्द है ये श्री राधा जी को लक्ष्य करता है, क्योंकि ये हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण है। फिर हरे राम फिर उसमें जो राम का जो नाम है, कभी ये दशरथ नंदन जो राम है, अयोध्यापति राम का नाम इसमें नहीं है, क्योंकि जो इष्ट है ना वो इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट एक ही होते हैं। जैसे हनुमान जी का इष्ट प्रभु राम है, गोपियों का इष्ट कृष्ण है, सूरदास का इष्ट कृष्ण, इष्ट कभी दो नहीं जा रहे होते हैं, इष्ट केवल एक ही होते हैं, इष्ट बहु इष्ट नहीं होते हैं, इष्ट केवल एक होनी चाहिए है। इसलिए ये जो राम शब्द है कहते राधा रमय अतिथि राम, राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं, ये रासलीला करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। ये महामंत्र है, ये केवल श्री जुगल उपासना का मंत्र श्री ये महामंत्र है, क्योंकि ये सांप्रदायिक मंत्र है, किसी राम का भक्त देखना कभी भी अपना शिष्य को ये मंत्र नहीं देता, केवल हमारी गौड़ीय संप्रदाय में ही ये मंत्र शिष्य को प्रदान करते, क्यों, इनका आराध्य श्री जुगल किशोर श्री राधा कृष्ण। इसलिए जो महामंत्र है इसमें केवल ठाकुर जी के नाम और किसी इसमें कुछ भी नहीं, इसलिए जितने मंत्र में ये महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले इति षोडशक नाम्नम कली कल्मष नाशनम नात परत उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। हे पार्वती, ये जो 16 नाम जो 32 अक्षर है यही कलियुग का पाप को यही नष्ट करने वाले, ना तो परत उपाय, कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए ये कलियुग का ये महामंत्र है। इसलिए हम सबसे कब राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, एक राधा जी का नाम कृष्ण के 100 नाम के बराबर है, इसलिए वृंदावन में किसके नाम लेते हैं सबके सब, अरे जोर से बोलो, हाँ बोले वृंदावन Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama
है बिहारी लाल की। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परिपीत उनने सारे नरक 84 नरक की वर्णना की, कैसे कैसे कर्म से कैसे कैसे फल भोगना पड़ता है। जब उन्होंने बोले जो शराब पीते हैं मरने के बाद लोहे को गला करके मुंह में डालते हैं, बोले तेरे को मुंह शराब पीने के लिए नहीं, ठाकुर जी भगवान के नाम जप करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अवैध रूप में दूसरे स्त्री से दूसरे पुरुष अपना पत्नी के बगैर दूसरे स्त्री से मिलते हैं, कहते मरने के बाद लोहे की स्त्री बनाते हैं एकदम जैसे आग जलती हुई आग, और उसको जोर जबरदस्ती उसको आली बन कराते हैं। जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज देखते हैं उसको आंखों को निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति इन्हीं कानों में ठाकुर की भजन नहीं सुन करके उल्टा पुल्टा म्यूजिक सुनते हैं, कहते लोहे को गर्म करके उसमें डाल देते हैं। इसलिए वहां पर जो व्यक्ति मांस खाते हैं मछली खाते हैं उसको जिंदा जिंदा वहां करते हैं उसको काटते हैं। जो व्यक्ति मांस को रोसी बनाते हैं मरने का बाद जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना पकौड़े, ऐसे ही गर्म तले में उसको पकौड़े जैसे बनाते हैं। इसलिए ये सब गंदी चीज से हमें दूर रहनी चाहिए, मांस मछली हमें नहीं खानी चाहिए। इसलिए पुराण में आती है एक ऋषि थे मांडव ऋषि, उन्होंने बचपन में एक तितली को पकड़ करके उसको पूंछ में एक सीख कड़ा करके निकाल दिया था। उसको क्या दंड मिला आपको सुने होंगे, उस चोर ने चोरी करके भाग गए और वो सामान को उसको पीछे रख करके चली गई और उसको पकड़ करके ले गई, ये दुष्ट चोरी कर रहा था लेकिन पता नहीं चला, चोर लोग भाग गए उनको पता चला था यही चोरी की, राजा उसको सुली में बैठा दिया। इतने कठिन दंड है। और जो व्यक्ति मांस खाते हैं फिर क्या दंड नहीं होगा। जब उन्होंने इस सब चीज को वर्णना कर रहे थे वो परीक्षित महाराज तो डर गए, बोले महाराज अगर हमसे कोई पाप कर्म हो गया है इससे मुक्ति मिलेगी कि नहीं। बोले हाँ मुक्ति मिलेगी। बोले कैसे, शास्त्र में भी बताया अगर आपसे ये पाप कर्म हो गया तो इसके लिए ये पुण्य कर्म करो प्रायश्चित करो जिससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब ये बात को बताए परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हुए। बोले क्यों, बोले जैसे एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान कराओ, ठीक है ना, हाथी का स्वभाव है जब ऊपर उठेगा फिर ये धूल को ढूंढेगा, वो धूल को लेकर फर करके सारा शरीर में लगा करके फिर जाएगा। कभी जो कर्म कांडी जो मुक्ति है जो प्रायश्चित है, हैं पाप कर्म कर दिया थोड़ा दान पुण्य तो कर दिया फिर दोबारा जाकर फिर वही पाप कर, लेकिन इससे जीव के हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बोले कोई उपाय क्या है, जो हृदय से ही ये पाप करने का वृत्ति ही खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय बताओ। बोले हाँ ऐसे उपाय है। बोले वो क्या है, बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नम निस्नात क्राश्नेना निहार इव भास्कर। जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है, अगर भगवान की कोई नाम ग्रहण करता है इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ भी नहीं। रत्नाकर जैसे व्यक्ति जब नारद बोले बोला राम बोला बोला लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, लेकिन तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकते हो, अगर ये मरा मरा करते करते वाल्मीकि बन सकता है। इसलिए भगवान का जो नाम है ना ये सबसे बड़ा शक्ति है सारे पाप को नष्ट करने का। इसलिए किचित केवल या भक्त्या भगवान के चरण में जो भक्ति जो नाम है इससे सारे पाप उद्धार हो जाता है। फिर बोले हम तुमको कथा सुनाता हूँ सुनो। फिर उन्होंने श्री अजामिल का कथा सुनाई। कैसे ये अजामिल ब्राह्मण घर में जन्म हुए, पत्नी बड़ी सुंदरी ब्राह्मणी घर में थी, इसकी अंदर में सारे सदगुण संपन्न था, गुरुजन को पूजा करना दूसरों को सम्मान देना इंद्रियत को दशीभूत करना सारे सदगुण था। लेकिन एक समय उसने जंगल में यज्ञ के लिए उन्होंने समीप लकड़ी फल फूल को संग्रह करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने देखा है कि शस्त्र होकर के बिहार
करते हुए उन्होंने देखा, इसका थोड़ा इको कम कर दो भैया, इसलिए उन्होंने विहार करते हुए देखा, लेकिन एक बार केवल उसने देख लिया तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण थी उसको उसने त्याग दिया, उसने वो जो वेश्या शूद्राणी को साथ में रहने लग गया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया, इन्हीं आंखों से गंदी गंदी पिक्चर मत देखा करो, इन्हीं आंखों से उल्टा पुल्टा गंदी चीज मत देखा करो। देखो अजामिल जैसे ब्राह्मण घर में जो जन्म लिया, इतने सद्गुण संपन्न, लेकिन अगर एक बार उनने गंदी फटो देख करके एक बार देखा तो बुद्धि स्क्रीन खराब हो गई। अगर हम दिन रात मोबाइल स्मार्टफोन लेकर पड़े रहे, बताओ हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी? हम क्या मुक्त पुरुष थोड़ी है? इसलिए सावधान, इस विषय के लिए सावधान सावधान करते हैं, गंदी चीज इन आंखों में मत देखा करो, फिर तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तुम्हारी। उसने धीरे धीरे उसने की क्या की, उसको उससे 10 संतान हुए। सबसे जो छोटा बेटा था, हिंदू तो था ही, उसने नाम रख दिया नारायण। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अभी बात बात पर बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, बेटा नारायण पानी ले आ, बेटा नारायण भोजन ले आ, अभी दिन सारा नारायण 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 करता है। ऐसे करते करते उसकी अंतिम समय आया, जो हम कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इतने में जमदूत, 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए। अभी जमदूत जब गले में काल फांस को लगा करके उसको खींच करके ले जाना चाह रहे थे, उसी समय में अपना बेटे को उसने दूर में देख करके बड़े जोर से चित्कार करते हुए बोला, बेटा, बोले बेटा नारायण। इतने में नारायण, ये 4 अक्षर है, एक तरफ में 3 जमदूत, दूसरे तरफ में 4 विष्णुदूत, झट प्रकट हो गए। बोले माँ भयो, कोई भय के कारण नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे। इतने में आकर के उनने जमदूत को डांट लगा, बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले तुम लोग डर से कह रहे हो धर्म राजा का दूत, लगता है तुम लोग कोई पिशाच हो, आज हमारे हाथ में पड़े तुम्हारी खैर नहीं। अगर धर्म का अगर दूत, बताओ धर्म का क्या स्वरूप है, बताओ धर्म का क्या स्वरूप है? बोले वेद प्रणहित धर्मम अधर्म तत् विपर्ययम, जो वेद में बताया गया उसको धर्म कहते हैं, उसका विपरीत अधर्म है, विपरीत उसका अधर्म है। बोले बताओ क्या करने पर कौन सा फल मिलता है, तुम इस अजामिल को लेने के लिए फिर क्यों आए? बोले आप उनको पता ही ये कौन है, ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया और उसने एक शूद्राणी की चक्कर में पड़ करके अपना ब्राह्मणी को त्याग दिया, और ब्राह्मणी को त्याग देकर के वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथ में अमेध्य कुमेध्य उसने भोजन किया। अभी 10 जो बच्चे हुए उसको लालन पालन करने के लिए जितने चोरी गुंडागिरी बदमाश सारे उसने पाप कर्म किया, इसलिए सीधा नर्क जाएगा। बोले भैया कुछ धर्म भी तो कुछ किया। बोले क्या किया? बोले अभी उसने जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोल हो जाएगा? तब विष्णु तो कहते हैं, बोले मूर्खो तुम्हें क्या पता भगवान के नाम में कितने शक्ति है, उनने उदाहरण दिए हैं। बोले जिस समय उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में ही उसका सारे पाप नष्ट हो गया था। उसको बाद में बारंबार बेटे को नारायण नारायण बोला, कर जैसे हम माला जप करते हैं ना, इसका ये हो गया माला जप है। लेकिन जो अंतिम समय में उसने जो भगवान का नाम लिया है, ये ठाकुर का विशेष कृपा है, जो अंतिम समय प्रभु नारायण का नाम लिया। बोले नारायण का नाम कब लिया? बोले मरते समय लिया ना। बोले थोड़ी नारायण का नाम ले रहा तो अपने बेटे को बुलाया था। किसको बुलाया था? आप लोग सुन रहे कि नहीं, ध्यान से सुना। अगर बेटा का नाम पहले देखना, पहले लोग क्या करते थे, बच्चों का नाम कौन सा नाम पर धराए करते थे? सब ठाकुर का नाम पर। सब बड़े बूढ़ों को पूछ लो नाम क्या है, अब बड़ी बूढ़ी माताओं को पूछ लो नाम क्या है, सब लक्ष्मी गीता सीता सावित्री सब यही नाम देते थे। बड़े बूढ़ों का नाम पूछो कृष्ण गोविंद दामोदर ये सब नाम देते थे। लेकिन अभी बच्चों को पूछो क्या नाम है, टुल्लू बुल्लू टिंकी भिंकी, और जितने विदेश में से कुत्ते है ना, सब कुत्तों का नाम धरवाते।
अभी बच्चों का नाम सब कुत्तों का नाम धरवाते हैं, भगवान का नाम नहीं धरवाते। कहता अरे ये पुराना नाम था सब भगवान का नाम, अभी तो बच्चों को हम अंग्रेजी प्रिंस प्रिंस नाम रखेंगे, हैं बच्चों का नाम ये नाम रखेंगे। नहीं भैया देखो यहाँ पर क्या शास्त्रार्थ कर रहे हैं, बोले उसने तो बेटे को बुलाया था, वो थोड़ी भगवान को बुलाया था। लेकिन जो बेटा का नाम जो नारायण रखा था, नाम किसके थी, वो नाम थी ठाकुर का नाम धराया गया था, हैं ठाकुर जी की नाम धराया गया था। उदाहरण देते हैं जैसे भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, उसमें एक आग की चिनकार पड़े ना वो जला करके राख कर देता है, आग कहां भगवान का नाम है। इसलिए मीरा कहती है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अजित सागर को लंग सके ना बिना पुल के राम, राधे राधे सागर को लंग सके ना बिना पुल के राम, राधे हो गया द्रौपदी जब नाम पुकारा जटा गए घनश्याम, राधे राधे द्रौपदी जब नाम पुकारा जटा गए घनश्याम, राधे राधे साई के जटहाय सुशासन, साई के जटहाय सुशासन, आई बजाए हरि से हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, भगवान राम को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, हनुमान को पड़ा जय श्री राम बोले समुद्र को लांग गए, है ठाकुर जी का नाम में इतने शक्ति। बोले भगवान के नाम में शक्ति तुम्हें क्या बताए, बड़ी शक्ति ठाकुर जी का नाम। बोले भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करता है, बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलरिनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदु। बोले पहला नंबर है सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब जैसे बेटा का नाम कृष्ण रख लिया, नहीं तो बेटी का नाम राधा रख लिया, राम रख लिया, सीता रख लिया, जो बच्चे को बारंबार बुलाते हो कन्हा ले इधर आ जा बेटा राम इधर आ जा, किसका नाम निकला है, एक तो जीवा पवित्र, जो सुना वो भी पवित्र, जिस घर में ठाकुर का नाम गुंजा घर भी पवित्र, हर तरह से ये पवित्र पवित्र भगवान की ये नाम कर लेता है। इसलिए कहते पहला नंबर है सांकेत्यम, दूसरा नंबर है पारिहास्यम, अगर हंसी दिलाई करते हुए अगर ठाकुर का नाम ले लिया ना उससे भी तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय एक घर में, ये जितने मैं कथा सुना रहा हूँ ना वो सब याद रखना, याद रख करके अपना घर में जाकर के बच्चों को भी कथा सुनाना, अगर बहुएं आए तो सास को सुनाना, अगर सास आए तो बहुओं को भी सुनाना, और जो भाई लोग आए ना घर में जाकर कथा सुनाना। देखो बच्चों को हम लोग सनातन धर्म है, मुसलमान उसी दिन बोल रहा था ना किसी भी मुसलमान बच्चे को बोलो कुरान बोलो, उसी दिन मैं बता रहा था ना, मैं देखा 10 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या, वो जो नाम बताया मेरे को बता सिर्फ मुसलमान है। मैंने कहा बेटा तेरे कुरान आती है, छाती फुला कर बोले मेरे को कुरान आती है।
मैंने कहा बोलो तो वो झटाझट पुराना बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से पुराना सिखाई जाती है? बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं। 2 साल उम्र में, हम दिल्ली में रहते हैं ना, उधर जाते हैं शुक्रवार का दिन, बच्चे को टोपी पहना करके ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पूरा रोड जाम कर दे, गाड़ी बंद हो जाती है। कहते 2 साल उम्र से कंपलसरी बच्चों को ये कुरान पढ़ाते हैं, हैं? इसलिए हमारे हिंदू में पूछो यहाँ पर कौन ऐसे पिता कौन ऐसे माँ है जो कभी बच्चे को बोले तू थोड़ा गीता का कोई श्लोक पढ़, नहीं तो रामायण का 2 चौपाई पढ़, कोई बोले हो? लेकिन स्मार्टफोन देते, बड़ा स्मार्टफोन देते, 1-2 साल से स्मार्टफोन पकड़ा सिखा देते हैं। अब बच्चे स्मार्टफोन छोड़कर रहते ही नहीं। कौन ऐसे पिता माता बोल दो भैया बच्चे को भगवान की भक्ति सीख, रामायण सीख। हमारे गुरु जी को किसने आकर के बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे क्या नहीं करते हैं, घर घर की बात सुनाना, घर घर की बात, बच्चे बात नहीं सुनते, देखो गुरुजी क्या बोलते, इसको गांठ बांध कर ले जाओ। गुरुजी ने बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी बोले रामायण पढ़? बोले नहीं। गुरुजी बोले जो खुद रामायण पढ़ेगा नहीं, अब बच्चों को बोलेगा रामायण नहीं पढ़ने के लिए, बच्चा उसको कैसे पिताजी की बात सुनेगा? कहां पर बताया गया पिता माता की आदेश पालन करो, कहां पर बताया गया सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो, कहां पर बताया? स्कूल कॉलेज में सिखाते क्या? ये रामायण बताया गया, प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माथा, ये रामायण में बताया। भगवान राम सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण पूजा करते थे। रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखा? तो उठा तो कोई हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर? टीवी में नहीं देखा रामायण? वहां देखना दशरथ महाराज जब शयन करते हैं, राम स्वयं दशरथ महाराज की चरण की सेवा करते, देखे कि नहीं? भगवान राम कितना साल के लिए वनवास गए थे बोलो, कितना साल के लिए? क्यों गए थे? पिताजी के आदेश पालन करने के लिए, अपना माता नहीं कई कई है उनकी विमाता की आदेश पालन करने के लिए। रामायण देखे होंगे, दशरथ महाराज मना कर रहे थे राम तुम मत जा, लेकिन नहीं, रघु कुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन ना जाए। कहां पर बताया गया पिता माता की आदेश पालन कर? भगवान 14 साल के लिए गए थे, अपना अपना बेटे को बोलो बेटा 14 दिन के लिए पिता माता की सेवा करने के लिए कुछ कही जाओ, बेटा जाएगा तुम्हारा? बोलो बेटा जाएगा कि नहीं? हनीमून मनाने के लिए जा सकता है 14 दिन के लिए घूमने के लिए, लेकिन पिता माता की सेवा करने के लिए कमी किसकी बताओ? हमारी कमी है, क्योंकि हम स्वयं रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो गीता थोड़ी पढ़, नहीं तो थोड़ी भागवत पढ़, रामायण पढ़, कोई बोलते नहीं बच्चे को, लेकिन मुसलमान का देखो कंपलसरी उनकी, इसलिए धर्म में उनकी मुसलमान धर्म में मुसलमान की इतनी निष्ठा, आप देखो ना कोई भी मुसलमान को आप कभी देखोगे नहीं अपना धर्म को ऊपर अंगुल उठाते हो, किसी मुसलमान को देखोगे? कोई सुने हो किसी मुसलमान अपना धर्म को ऊपर अंगुल उठा? ये नालायक हिंदू देखना अपना धर्म में धर्म को ऊपर अंगुल उठाते हैं, बोले भगवान किसने देखा? कौन कहता है भगवान? ये कौन बोलता है? हिंदू बोलता है, लेकिन एक क्रिश्चियन कोई मुसलमान को कभी नहीं देखोगे धर्म को ऊपर कभी अंगुल उठाते, कभी नहीं। कमी किसको अंदर में? हमारी अंदर में, क्योंकि हमारी भक्ति भक्ति से कोई रुचि नहीं, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, और बच्चों को भी कोई भजन भजन से, हाँ थोड़ी स्कूल कॉलेज चढ़ जाए, थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई कर ले और थोड़ा पैसा कमाना सीख ले, बस हो गया, यही जीवन बना देते हैं। इसलिए क्या करो, अगर चाहते हो हमारी सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए क्या करो, बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ। भाग्य से हमारी मोदी आ गई, किसी तरह से हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो हम बच गए, हम तो बच गए किसी तरह से, नहीं तो मैंने सुना ये पहाड़ में आकर कौन रह रहे हैं? कोई बोल रहे थे जब मुसलमानों ने हिंदुओं को पर अत्याचार की, उसी समय ब्राह्मण दूसरे लोग ने सब भाग भाग करके आकर जंगल में छुप कर गए, ये तभी आकर जंगल में छुप कर गए। अगर अभी अगर हमारे धर्म को बढ़ो तो नहीं दोगे तो क्या होगा? पर जंगल से भी तुमको भगाएंगे यहाँ से, फिर कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ जाओगे? अगर चाहते हो अपना धर्म को रक्षा करना, तुम अगर चाहते हो ना, क्या करो, स्वयं रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो,
बच्चों को भी उसी संस्कार डालो, हमारी बच्चे भी अच्छे संस्कारी बने, हमारी सनातन धर्म को रक्षा करे। ठीक है, कौन कौन चाहते हो तुम्हारी बच्चे भजन करे? कौन कौन चाहते हाथ उठाओ तो। सब चाहते हो, एक काम कर सकते हो, एक काम करोगे? अब से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रेशर तो नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा। हम चाहते हैं ना एक समय, एक दो दिन तुम्हारी जो घर के जो यंग बच्चे, ऐसे नहीं तो छोटे बच्चे, जो क्लास 10, 11 जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर एक दो दिन उनको यहाँ पर बुलाओ। ये कथा जब हमारी मतलब जैसे 5 बजे कथा खत्म हो जाती है, उनको 5 बजे बुलाओ यहाँ पर। बच्चों को बुलाओगे ना, हम उनको स्पेशल, देखो ये दो बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, देखो ये दो बच्चे ये हमारे साथ में आए हैं, ये दो बच्चे है ना, वो जो यंग बच्चों को उन्हें उत्साहित तो प्रेरणा करते हैं ये दोनों। एक तो बीटेक किया हुआ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने तो लाख रुपया छोड़ करके उन्होंने बाबा बने हैं। इसलिए ये दोनों बच्चे बच्चों को उत्साहित तो करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और साइंटिफिक रूप में उनको भगवान के बारे में समझाते हैं। जो क्लास है ना सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख का खोज, एक क्लास देते डज इट एग्जिस्ट, क्या भगवान है कि नहीं, हु आम आई, मैं कौन हूँ, मैं शरीर ना हम आत्मा है, ये अच्छे तरह से इस विषय पर ये बच्चों को समझाते हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहोगे कल और परसों दो दिन, तरसों तो हम चले जाएंगे, इसलिए कल परसों दो दिन ही है। ठीक है, ये दो दिन में आप लोग अपना बच्चों को, जो अच्छे बच्चे जो लिखे पढ़े, इसे नहीं छोटे छोटे बच्चे नहीं, क्लास 9, 10 जो कॉलेज पढ़ते हैं, ये कभी कभी प्रोजेक्ट को द्वारा ये चीज समझाते हैं, अच्छे तरह से समझाते हैं। देखो घर में अगर एक बच्चा प्रभु का भजन कर लिया ना, क्या तो उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। कितने पीढ़ी उधार हो जाता है बोलो जोर से, 21 पीढ़ी। ये नरसिंह भगवान खुद कहते हैं, बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था, जो पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं वो पिता माता की जीवन धन्य हो जाता है। सुन रहे थे ना, जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, बोले पिता अपना माँ को लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले माता ने मेरे को आदेश दिया, बेटा तू भजन कर, माँ की कृपा से ही मैंने भगवान को मिला है। इसलिए जब भगवान हिरण्यकश्यप को बात करे, भगवान प्रहलाद को बोले बेटा वर मांगो, प्रहलाद कहता है मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, मेरे पिताजी को मुक्ति कर दो। ठाकुर स्वयं कहते हैं तेरे पिताजी के नाम क्यों कहते हो, त्रिसप्तम ही पिता पुत्र, तेरे तो 21 पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गए। इतने महिमा भर में बच्चे जो भगवान की भक्ति करते हैं, हैं? इसलिए आप लोग अपना बच्चों को भेजोगे, कौन कौन भेजेगा? आप लोग क्या बोलोगे, बच्चे बात नहीं सुने हैं? बच्चे हमारी कारण क्या है, हम रामायण नहीं पढ़ते, बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दिया है, उसको स्मार्टफोन पकड़वाया, लेकिन उसको अभी बोला नहीं तो बेटा रामायण गीता पढ़, इसलिए अभी तुमको बच्चे बात नहीं सुनते हैं और तुम्हारी आदेश को पालना इसलिए करना नहीं चाह रहे। इसलिए कल और परसों ये दो दिन ही हम चाहेंगे 5 से लेकर 6 तक 1 घंटा आपका बच्चे लोग आए और ये दोनों बच्चे उनको भगवान के बारे में समझाए। ठीक है, दो दिन ही आप लोग देना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो कहते अगर भगवान का नाम हसी दिल की करते हुए अगर नाम ले लिया कितना महत्व है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, इस कथा को याद रखना। ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा कौन याद है। एक घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानता था और एक भाई आस्तिक जो प्रभु की भजन करता था। अभी जो भजन करता था सोचता था अगर घर में दो भाई, अगर दोनों भाई अगर भजन करे तो कितने आनंद मिलेगा, दोनों मिलकर सत्संग में जाएंगे, दोनों मिलकर के ठाकुर को पूजा करेंगे, दोनों भक्ति करेंगे, कितना आनंद मिलेगा। एक दिन उसने अपना गुरु जी को बुलाया, बोले गुरु जी आज हमारे घर में सत्संग करना और मेरी जो छोटी भाई को समझाना ये भजन को बाहर में, हम दोनों भैया मिलकर के भजन करें। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं। जब उन्होंने गुरु जी को घर में बुलाया, उसको पता चला वो इसलिए गुरु जी को बुला रहे हैं घर में सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो गुरु जी हमें समझाएंगे बेटा हरिनाम कर, भगवान के भजन कर। बोले मैं सत्संग में बैठूंगा तभी तो गुरु जी समझाएंगे, मेरे को सत्संग में बैठना नहीं है,
जब देखा गुरु जी को घर में आते हुए ना, उसने बाथरूम में जा करके अंदर से कुंडी बंद कर दिया। तो गुरु जी आए, कीर्तन किया, सत्संग किया, लेकिन जिस के लिए कर रहे थे ना वो आया ही नहीं। तो गुरु जी जब जा रहे थे, बोले कम से कम एक बार तो ठाकुर का नाम बोल, इसलिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बोले बेटा दरवाजा खोल दो। बोले मैं दरवाजा नहीं खोलता। बोले एक बार खोल तो दे बेटा। बड़ी कठिनाई से दरवाजा खुला। जब खुला ना, हाथ को पकड़ लिए, पकड़ करके बोले देख बेटा एक बार तो कृष्ण बोल, एक बार तो क्या बोला, एक बार तो कृष्ण बोल। बोले मैं नहीं बोलूंगा। गुरु जी ने बोला तू क्या नहीं बोलोगे। बोले मैंने कृष्ण नहीं बोलूंगा। बोले तू तो बोल ही दिया, तू तो कृष्ण बोल दिया। देख बेटा तुमने जो एक बार ठाकुर का नाम लिया है ना, ये नाम को अगर तू नहीं बेचोगे, इसी नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी। बोले ठीक है गुरु जी। कुछ दिन बाद में जब मृत्यु हुई, जब उन्होंने जम महाराज को पास में ले गई, बोले कापी खोलो। बोले तो बड़ा नास्तिक था, भजन भजन नहीं करता था। भैया देखो तो थोड़ी बहुत तो किचू किया होगा। बोले इनके घर में एक बार गुरु जी आए थे, एक बार इनकी गुरु जी के मुंह से कृष्ण नाम सुन करके एक बार उसने कृष्ण नाम किया। गुरु जी ने कहा अगर तू बेचोगे नहीं इससे मुक्ति मिलेगी। उसने बेचा नहीं कृष्ण नाम को। बेचना मतलब है हम इसलिए कृष्ण नाम किया हमें इस विनिमय में कुछ मिले। उसने कुछ मांगा नहीं, इतना ही पुण्य है। और गुरु जी के मुखनिसृत वाणी है तेरे को उधार होगा। इतने में गुरु जी ने बोला बेटा ये बताओ, तुम पाप का फल लोगे ना पहले पुण्य का फल लोगे। अभी गुरु जी की बात याद आया। गुरु जी बोले कृष्ण नाम से मुक्ति मिलेगी। बोले एक बार जो मैंने कृष्ण बोला इसका फल हमें दे दो। अभी इतने में जब महाराज सारे ग्रंथों को शास्त्र को ढूंढे, शास्त्र को ढूंढते ढूंढते एक श्लोक मिला। बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हेले अबा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। ये जो कृष्ण नाम है कहते मीठे से भी मीठा है, मंगल से भी मंगल है। जितने वेद पुराण उपनिषद का सार ये भगवान का नाम। सक्री एक बार भी श्रद्धया हेले अबा, श्रद्धा हो नहीं तो नेग्लेक्ट पूर्वक अगर किसने एक बार नाम ले लिया तो नर मात्र उद्धार कर लेता। अभी जब महाराज जब उसने देखा, बोले भैया एक कृष्ण नाम कितने महिमा, फिर इसको कह रहा है एक कृष्ण नाम का फल दो, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान को साथ में हम क्या बराबर कर सकते। जब महाराज का बुद्धि काम नहीं किया, बोले भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या दे, एक काम करो ब्रह्मा जी को पास में चलो, उनको पूछेंगे। चलो बोले मैं चल करके नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ, पालकी में बैठाओ ले चलो। जब महाराज फंस गए, पालकी मंगवाया उसमें बैठाया, एक तरफ में चित्रगुप्त और एक तरफ में जम, दोनों कंधे लगा करके जब ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, ले जा रहे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिसको स्वयं चित्रगुप्त और जम महाराज कंधे में ला रहे। इतने में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर खड़े रहे, उनको आरती करेंगे। जब वहां पर पहुंचे, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन। बोले ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा। बोले फिर आप क्यों कंधे में लाए हो। बोले इसने फंसा दिया हमको, हमने बोले ब्रह्मा जी को पास में चले। बोले चल करके नहीं पालकी मंगाओ, हमको ढोवा करके लाना पड़ा इसको। बोले आप ही बताओ। फिर ब्रह्मा जी सारे शास्त्र को ढूंढे, जब सारे शास्त्र को ढूंढे वहां पर भी एक ही बात बोले। बोले अहो बत सपोच तो गरियान। बोले चंडाल क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति इतना श्रेष्ठ है जिसकी जीवा की अग्रदेश में अगर प्रभु का नाम उच्चारण हुआ तो क्या समझो, सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, सारे पुण्य कर्मों को कर लिया, ब्रह्मा की भी दिमाग काम नहीं किया। बोले भैया भोले बाबा को पास में चलो, ये परम वैष्णव भोले बाबा उनको पास में चलो। बोले मैं चल करके नहीं पालकी मंगवाओ। जब पालकी मंगवाए इसमें ब्रह्मा भी कांध लगाए, लेकर गए शिवलोक में। शंकर जी देख करके बोले ब्रह्मा जी ला रहे हैं, वो आरती थाला के सजा करके प्रस्तुत रहे। जब वहां पर गए शंकर जी बोले ये पुण्यात्मा कौन। बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा है। बोले कंधे पर क्यों लाए। बोले फंसा दिया। शंकर भी सोच सोच करके उनके दिमाग में काम नहीं किया, क्योंकि भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है।
बोले भैया किसको पास में चलो, बोले जिसका नाम उनको पास में चलो, बोले चलो, बोले चल करके नहीं कल पालकी में मेरे को बैठा चलो। शंकर भी कंधे लगाए, शंकर जी ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जब महाराज लेकर वैकुंठ गए, जब वैकुंठ लेकर गए इतने में भगवान बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा आप इतने बड़े बड़े संत जी को कंधे पर लाए, बोले ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा ही हमें फंसा दिया बीच में, प्रभु जी आप ही बताओ आपका नाम की क्या महिमा आप ही बताओ, बोले उसको ले आओ अरे मेरे गोद में बैठा लो। जब ठाकुर जी गोद में बैठा है बोले बताओ इसका महिमा क्या, बोले इसकी महिमा यह है अगर किसी शुद्ध शांत साधु की मुंह से एक बार अगर कोई भगवान का नाम लेकर किया तो जिसको स्वयं चित्रगुप्त स्वयं यम स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी उनको कंधे पर लेकर के उनको वैकुंठ लाना पड़ता है और लास्ट में मेरे गोद में वो व्यक्ति बैठता है। मतलब इतने महिमा भगवत नाम लेने का। इसलिए कृष्ण कहते जनई पूर्व सत्व जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। वही व्यक्ति प्रभु का नाम ले सकता है इसने 100 जन्म तक जो निरपराध में ठाकुर को सेवा पूजा किया है। इतने भगवान के नाम लेने का इतने महिमा। इसलिए बोले भगवान का नाम सारी तरह से कल्याण करता है। संकेत पूर्वक परिहास हेला पूर्वक किसी तरह से अगर प्रभु का नाम लो जीव की ये परम कल्याण करने वाले। विष्णु दूतों ने जम दूत को मार मार कर भगा दिए, उन लोगों ने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के जब महाराज के चरण में डाल दिए, बोले आज से कोई नवगुरु भक्ति आपके नहीं करेंगे। बोले भैया बात तो क्या बताओ, बोले बहुत बड़ा पापी उसको लेने गया था पता नहीं कहाँ से 4 यादव आ गए, बड़े अपमान किया मार मार कर भगाए अपना नौकरी फोकरी रिश्तेवा दे रहे। बोले बताओ तो भैया उसने अंतिम समय में कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार नारायण बोला था। जब महाराज सुनते तो बेहोश हो, जब होश आया बड़े दिनों में ठाकुर का नाम सुनने को मिला। बोले ठाकुर जी हम तो सोच रहे थे आप ही जगत का हर्ता करता विधाता आप ही। बोले मूर्खो तुमको क्या पता है, मैं तो केवल इंसान का पाप कर्म को विचार करने वाला हूँ, लेकिन मेरे प्रभु नारायण है जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, मैं तो उनके आदेश में ये नौकरी कर रहा हूँ। बोले बेटा खबरदार जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं उनको मेरे पास में मत लाया करो। बोले एक पर्ची बना दो किसको किसको लाना किसको किसको नहीं लाना। बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतसन स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णायो नो नमति जत एकदापि तान अनधम असत अक्रीत विष्णु कृत्या। यहाँ पर कहते हैं जिसने कभी जीवा में प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने कभी हृदय में भगवान की स्मरण नहीं किया, जिन्होंने कानों में कभी प्रभु का नाम नहीं सुना, कहते उन दुष्टों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आना। देखो यहाँ पर कहते हैं विष्णु कृत्या, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। ये जम स्वयं कहते हैं कि जिसने जो विष्णु कृत्या मतलब जो वैष्णव है, कहते खबरदार ये वैष्णव लोगों को मेरे पास में मत लाया। भगवान की जो भजन करने वाले वैष्णव है ये वैष्णव होनी चाहिए और कोई नहीं। लेकिन कहते उनका लक्षण क्या है, बोले उनको शरीर में 3 लक्षण होता है, हैं जो वैष्णव है बोले क्या है, बोले ललाटे तिलकम, ललाट में ये तिलक धारण करते हैं, कंठे त्रिकंठिका गले में तुलसी की माला पहनते हैं और भगवान की ये नाम जप करते हैं। कहते ये वैष्णव का ये लक्षण है। अगर ये चिन्ह इसको देखो तो जम महाराज कहते हैं खबरदार मेरे पास में उनको मत लाया करो, ये जम महाराज का आदेश है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो आप बताओ तो आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए जो विदेश जा सकते हो, लंदन हो अमेरिका हो फ्रांस हो रशिया हो, बताओ तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बोलो कौन बोलेगा। पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर टिकट। देखो साधारण यहाँ से 2-4 घंटे का रास्ता तुम्हारे पास में ये 3 चीज हो जा सकते हो। उसी तरह अगर भगवान को पास में जाना चाहते हो हमारे पास में जरूर ये 3 अगर चीज होगा ना जम का आदेश है कभी उनको मेरे पास में मत लाया करो। पहला नंबर पासपोर्ट, बोले गले में जरूर ये तुलसी कंठी होनी चाहिए। ये तुलसी को लकड़ी मत समझा करो। अभी कोरोना आया था ना, रामदेव जो कोरोना में निकला था
उसमें 90% ये तुलसी था, 10% केवल दूसरे दूसरे मेडिसिन थे। ये तुलसी साधारण नहीं, एक मेडिसिन दुकान से ढूंढना तुलसी पावर, 200 बीमारी का बीमा जो उसमें मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी वृक्ष से सही नहीं होता है। इसलिए हमारे हिंदू घर में आंगन में तुलसी पौधा लगाते ना, ये बहुत बड़ा साइंटिफिकल रीजन है। ये तुलसी को देखना, इसी में ये कुछ ऐसे वृक्ष है दिन में ये लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे तुलसी वृक्ष है, सारे वृक्ष तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को देखना केवल 3-4 वृक्ष जो रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हिंदू लोग जिस वृक्ष को पूजा करते हैं, बताओ तो हिंदू लोग कौन कौन उस वृक्ष को पूजा करते हैं? बोला तुलसी, पीपल, नीम है, ये सब हिंदू लोग इसको पूजा करते हैं, आंवला वृक्ष पूजा करते हैं। यही 3-4 वृक्ष देखोगे ये रात को ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही केवल ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हिंदू लोग जो काम करते हैं ना, जो तुलसी की पौधा रखते हैं आंगन में, ये सबके सब साइंटिफिकल रीजन है। ये तुलसी में इतने मेडिसिन, यहाँ पर तुलसी वृक्ष रहेगा ना, उसका हवा जितना दूर तक जाएगी किसी तरह का बीमारी वहां नहीं फटेगा किसी तरह का। इसलिए गले में तुलसी कट्टी जो धारण करते हैं, स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारी तो अपने आप निकाल देती है। और पुराण में बताया जिसकी गले में तुलसी कट्टी और स्नान करता है उसका पानी अगर सारा शरीर में गया तो कहते हैं पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में बैठी बैठ कर तुम्हारा नहान हो गया, इतने महिमा ये तुलसी में। इसलिए हम गले में क्यों धारण करते हैं कंठी, इसका नाम कहते कंठी है ना। जैसे देखना ठाकुर को भोग लगा, छापान्न भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही भाई। अगर तुलसी पता नहीं तो ठाकुर जी कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो शरीर है ये पंच रचित, ये अधम शरीर टाटी पेशाब का थली है, लेकिन गले में जब तुलसी कंठी धारण कर लिया ये शरीर ठाकुर का चरण में समर्पित हो गया। कंठे में रहेगा तो जो बोलोगे शुद्ध बन करके निकलेगा, अंदर में जो कुछ खाओगे टच करते हुए जाएगा, अंदर में भी सुपवित्र बना कर रखेगा। बहुत लाभ है तुलसी में, साधारण लाभ नहीं, बहुत बहुत लाभ तुलसी में। इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठी जरूर आप लोग धारण करो। ये जम स्वयं कहते हैं, देखो संतों का एक उदाहरण देते हैं। जब महाराज कहते हैं जो भजन करता है मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा? बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? बोले जोर से, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू कुत्ते हैं ना, देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। लेकिन जो फालतू कुत्ते देखना बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, आप देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। अगर गले में तुलसी कंठी, हम किसके पालतू है? बांके बिहारी भगवान राम के हम पालतू है, हमारे ऊपर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा, ठीक है। इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठी पहनो और ये तिलक जरूर लगाएगा। जो तिलक है देखो, ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठाकुर का दो चरण है। और नीचे देखो जैसे ठाकुर का तरण में जो तुलसी पता दिया है, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्वपिण्डरम। ऊर्ध्वपिण्डरम मतलब क्या? जो हमें ठाकुर तक ले जाएगा, है ठाकुर तक ले जाएगा। ये जो फोटा लगाते हैं ना, शास्त्र में इसका नियम नहीं है। अब भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, नारायण को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, तिलक कैसे? ऊर्ध्वपिण्डरम, ये ऊर्ध्वपिण्डरम मतलब हमें जो भगवान तक ले जाएगा। ये ठाकुर जैसे लगाते हमें वैसे तिलक लगानी चाहिए, ठीक है। और भगवान की माला तो जब करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में तो यही बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य, सत्य बोल गते सब कोई बात झूठा है, अंतिम समय में यही काम में आएगा, ठीक है ना। अगर ये तीन चीज होगा तो हम कभी जमपुरी नहीं, सीधा ठाकुर जी की पास में जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बामन को बनाया। चलो रे मन श्री वृंदावन रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी के नाम।
वैसे बैठे बैठे थोड़ी पहुंचे होंगे, तन तो यही रखना है, लेकिन मन को संग लेकर के चलना है। तो आइए वाले हो जाइए, जिनको वृंदावन धाम चलना है खड़े होकर के, ठाकुर के दरबार में जो नाचेगा 84 लाख जोड़ी नाचना खत्म हो जाएगी और कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। चलो रे मेरे शिव लावन धाम देंगे राधे राधे Thank you.
बनाया ना। हाँ थोड़ी सी बैठ गया, 5 मिनट बैठ गया और बोला कि हाँ ये बोल बामन देव का, हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी ये बामन देव का चरित्र सुनाएंगे। बोले कि तेज के सुनाएंगे, बढ़िया हो गया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जगदाद शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंद। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गुरु स्वामी गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग नमन प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुपाद सोपाद नित्यानंद प्रभु राधा गुरु जी समस्त स्रोत मंडली वैष्णववृंद भक्तवृंद वैष्णववृंद माताएं समस्त चरणों में अधिकता यथाजोग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान को देवता के कार्य करने के लिए चार चार अवतार लेना पड़ा। पहले तो हरि रूप धारण किए, मद्राचार्य को बाएं हाथ से उठा करके समुद्र के अंदर बीच में स्थित रख दिया, स्थापन कर दिया। फिर बाद में देखे कि मद्राचार्य डूब रहा है समुद्र मंथन से, भगवान ने कूर्म रूप धारण किया, कश्यप रूप धारण करके अपने पीठ के ऊपर मद्राचल को उठा दिया। बोल कूर्म भगवान की जय। फिर उसके पश्चात भगवान ने पुनः धन्वंतरी अवतार ग्रहण करके अमृत कलश को लेके आते हैं। फिर देखा देवता और असुरों में लड़ाई हो गया कि अमृत हम पियेंगे हम पियेंगे। पुनः भगवान जगत मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं के अमृत दान करवाया और असुरों को पिला दिया सुरा। अब इसके पश्चात देवता अमृत पान करके हो गए अमर और असुर सुरे पान करके क्या होते हैं मदिरा पान करके थोड़े देर तो बेहोश हो गए। फिर उसके पश्चात जैसे ही होश उठा ना बोले हम युद्ध करेंगे, हमको ठग लिया, युद्ध करते हैं देवता से युद्ध करते हैं। देवता तो अमर बन चुके थे, तुरंत खड़ग से और पूरा अस्त्र शस्त्र से सारे देव असुरों का गला काट दिया। लेकिन गुरु जो होते ना बड़े दयालु होते हैं। अब बताओ देवता गुरु कौन है, शुक्राचार्य। इस शुक्राचार्य देखा कि भाई मेरे सारे शिष्य ही नहीं रहेंगे तो मैं किस चीज का। अब गुरु क्या किया शुक्राचार्य ने, इनको अमृत संजीवनी विद्या आता था, कमंडल से जल निकाला मंत्र पढ़ा और उनके ऊपर छिड़क दिया, देवता को जिंदा कर दिया। देवता उनके प्रणाम के लिए गुरुदेव आपकी कृपा से तो हम बच गए, जय हो। लेकिन हम असुरों को मारने वाला उस देवता को हम नहीं छोड़ेंगे, हम पक्का बदला लेंगे। तब शुक्राचार्य बोलते हैं देखो इस समय उनका पास अमर बल है, अमरत्व को प्राप्त कर चुके हो, मरेंगे नहीं अभी और भगवान भी उनके साथ में ही, तुम मार नहीं सकते हो। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले ब्राह्मणों को कृपा प्राप्त करो। अब असुर असुर तो सब सूची असूचि नहीं जानते, वो ब्राह्मण को कैसे प्रसन्न करेंगे, प्रणाम करने लगे बलि महाराज। बोले भाई बोले गुरुदेव ब्राह्मण को कैसे प्रसन्न करेंगे। तब शुक्राचार्य बोलते हैं ब्राह्मण को प्रसन्न करने में ज्यादा देर नहीं लगता, चकाचक रबड़ी मालपुआ मालपुआ आदि मिष्टान्न खिलाओ और हाथ में चुरंत लफाफा और वस्त्र अन्न सब व्यंजन सब दो, तो ब्राह्मण फिर कृपा आशीर्वाद बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि पहले आसन फिर व्यसन राशन फिर भाषण। बोले आसन पे ब्राह्मण को बिठाओ और सुंदर सुंदर मालपुआ जलेबी ब्राह्मण को भोग लगाओ, हाथ में लिफाफा पकड़ाओ, माला गले में दो, फिर तो देखो ब्राह्मण कितना स्वस्ति वाचन करेंगे, क्या क्या वरदान दे देंगे। तब ऐसे ही किया। अब बलि महाराज जी ने भृगु वंश के ब्राह्मणों को बहुत सेवा किया और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण को प्रसन्न में ज्यादा देर नहीं, प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। और बलि महाराज जी के बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े स्वस्ति वाचन करने लगे,
बड़े बड़े आशीर्वाद बरसाने लगे। बलि महाराज के ऊपर इतना कृपा बरसाया, यज्ञों से बड़े दिव्यमय रथ प्रकट हो गया, दिव्य कवच, दिव्य अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गया। सारे के सारे ब्राह्मण लोग ने बलि महाराज को प्रदान कर दिया। अब इतने प्राप्त होने के बाद बता रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज जी थे, ये बलि महाराज जी के कौन है? ना, ये बलि महाराज जी प्रहलाद महाराज जी के वंश में ही बलि महाराज जी आए हैं। इनके पिता के पिता ये प्रहलाद महाराज जी हैं। तो प्रहलाद महाराज जी को नृसिंहदेव जिस समय प्रकट हुए थे, एक अक्षय माला प्रदान किया था, जिसको पहनने से हर समय जीत ही होता है। अब प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज जी गले में उसको माला को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण स्तुति वाचन कर दिए, कवच दिव्य कुंडल और अस्त्र शस्त्र के द्वारा बिठा करके स्वर्ग में भेज दिए। जैसे ही बलि महाराज स्वर्ग में आक्रमण करने जा रहे थे, देवता तो देख के डर के देव गुरु बृहस्पति के पास जाते। देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं, देखो इस समय तुम्हारा समय प्रतिकूल अवस्था में है। इस समय उनके पास ब्राह्मणों का पूर्ण रूप में कृपा है, और ब्राह्मणों की कृपा के सामने तो भगवान भी दो हाथ खड़े कर देते हैं। भगवान भी ब्राह्मणों के सामने खड़े नहीं होंगे, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तो तुम पहले से ही युद्ध से पहले ही भाग जाओ। जितने भी देवतागण थे, ये देखे बलि महाराज किस प्रकार साज धज करके दिव्य अस्त्र आभूषण ग्रहण करके स्वर्ग की तरफ युद्ध करने आ रहे हैं। सारे के सारे देवता तो स्वर्ग से ऐसे ही भाग गए। अब यहाँ पे बलि महाराज जी स्वर्ग में जाते हैं, देखते हैं सारे सारे देवता तो कोई है नहीं, अनायास में ही बिना युद्ध से ही प्राप्त हो गए। अब सिंहासन में बैठ गए बलि महाराज स्वर्ग के सिंहासन में। अब शुक्राचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, देख बलि, ब्राह्मणों का कृपा मिल गया और स्वर्ग का सिंहासन मिल गया। चिरस्थाई अगर होना चाहते हो तो झट झट करके 100 क्या करो अश्वमेध यज्ञ कर लो, फिर तो पूरा का पूरा तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जो आ गया गुरुदेव बोल रहे, नर्मदा नदी के भृगुकच्छ नाम का एक स्थान पे बलि महाराज जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना संकल्प कर दिया, जिसमें ब्रह्मा उद्गाता होता और जो यजमान स्वयं बलि महाराज हुए, और यहाँ का ब्रह्मा स्वयं उनका गुरु शुक्राचार्य और जितने भी ब्राह्मण थे वो सब लोग वेद मंत्र उच्चारण करते करके ध्रुववंशी के ब्राह्मण सब हवन करना शुरू कर दिया। अब ये सब को देखते हुए कि कश्यप ऋषि के दो पत्नी दिति और अदिति बोले, दिति के माता से सारे असुर वंश में जन्म ग्रहण कर, सुन रहे थे ना गुरुदेव बता रहे थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये दिति माता के गर्भ से ही जन्म ग्रहण करते, और ये अदिति माता के जन्म से अदिति माता ने सारे देवता को जन्म दिया। अब अदिति माता कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, बोले प्रभु आपके ही दो पुत्र के कुल में झगड़ा हो गया, देवता और असुरों के कुल में झगड़ा हो गया। असुरों तो उनको मिल गया तो स्वर्ग का सिंहासन, और देवता कहाँ वन वन में भटक रहे हैं, जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, भूलोक में मनुष्य के रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं, प्रभु आप कृपा करो इनके ऊपर भी। तब कश्यप ऋषि बोलते हैं, देखो तुम अगर कहते हो तो तुम्हें मुझे तुमको मैं एक उपाय बता रहा हूँ। तो कश्यप ऋषि के प्रेरणा से ये बता रहे हैं क्या उपाय, न दिति माता को बोलना करना पड़ेगा पयोव्रत श्रावण, न ये जो पयोव्रत है ये पयोव्रत का एक विधि है, कब किया जाता है? बोले फाल्गुनम शुक्ल द्वादश्याम, फाल्गुन महीने में इसको ये व्रत को किया जाता है। कितने दिन तक? 12 दिन तक व्रत किया जाता है। अब अदिति माता ने पयोव्रत किया 12 फाल्गुन महीने में, 12 दिन तक केवल दुग्ध पान करके ये पयोव्रत किया जाता है। पयो यानी क्या है? दूध को पी के बस केवल ये व्रत को किया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, बराह के जो खुर के निकले हुए मिट्टी से स्नान करना, बड़े सुंदर पवित्र पुष्करिणी आदि में स्नान करना, तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक करना, इसी प्रकार का इस व्रत का विधान है। अब जैसे ही इस व्रत करते हैं 12 दिन के बाद स्वयं साक्षात चतुर्भुज प्रकट हो गए भगवान, और भक्तवत्सल भगवान की, उनका बड़े सुंदर सुंदर दिव्य मुकुट है, और उनके जो आंखें हैं पद्म पलाश लोचनम, बड़े सुंदर कमल के पंखुड़ी के जैसा शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, बड़े सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके हृदय में कौस्तुभ हार ग्रहण करके उनके श्रीवत्स चिन्ह उनके हृदय में अंकित है, इसी प्रकार भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान प्रकट हो गए, बोले अदिति सुनो मैं तुम्हारे ये पयोव्रत से बड़े प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तो देवता लोग स्वर्ग में वापिस आ जाए।
तो बोलते हैं प्रभु आप तो सभी जानते हो, आप तो सर्वांतर जामी हो। उसके पश्चात भगवान बोलते हैं देखो मैं सर्वांतर जामी हूँ, लेकिन देखो इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि जो असुरों कुल में ना इस समय ब्राह्मण का कृपा है, और ब्राह्मण के कृपा के सामने हम करूंगा। अब इतने बोल के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सही समय आया और श्रावणाम द्वादश्याम अभिजीत मुहूर्तम प्रभु। भाद्रव महीने के शुक्ल द्वादशी तिथि पे भगवान इनके घर में अदिति और कश्यप के कश्यप ऋषि के घर में भगवान वामन देव प्रकट हो गए। बोल भक्त वशल भगवान की, बोल भगवान वामन देव की। अब भगवान वामन देव प्रकट हो गए। अब भगवान वामन देव प्रकट होते ही 5 साल के बटुक ब्राह्मण रूप धारण के तुम बटुक ब्राह्मणम दृष्टा। इतने सुंदर दिव्य तेज था उनका, बड़े सुंदर उनका मुख, बड़े सुंदर कपोल, बड़े सुंदर उनका दिव्य, उनका जो आंखें और 52 अंगुष्ठ जस्त्रह शरीरा बता रहे हैं, जिनका शरीर केवल 52 अंगुष्ठ मात्र है, इसीलिए उनको नाम हो गया वामन देव। अब ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण किए हैं, ब्राह्मणों का 16 संस्कार होता है विशेष करके, उसमें भी जो श्रेष्ठ संस्कार वो बता रहे हैं 10 संस्कार है। तो बता रहे हैं कि बहुत सारे संस्कार है, आजकल तो सारे संस्कार भ्रष्ट हो गया, नामकरण संस्कार है, जन्म संस्कार है, कर्ण छेद संस्कार है, चुड़ाकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, बहुत सारे संस्कार है, लेकिन आजकल पता नहीं सारे के सारे कलिकाल ने सारे संस्कार को भ्रष्ट कर दिया। एक संस्कार बचा हुआ था वो क्या, अंतिम संस्कार, कोरोना ने उसको भी छीन लिया, कोरोना ने उसको भी छीन लिया। अंतिम संस्कार भी आजकल ठीक से नहीं हो पा रहे, कोरोना समय में कैसे ऑनलाइन देखते थे और कोई अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाते। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कलिकाल में सारे संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा, केवल मात्र भगवान का नाम ही रह जाएगा। तो बता रहे हैं कि भगवान वामन देव का यहाँ पे जनेऊ यानी उपनयन संस्कार होता है, और स्वयं देवता की जो गुरु बृहस्पति इनको यज्ञोपवीत तो उपनयन संस्कार करते हैं। अब उपनयन संस्कार में कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि नहीं, ब्राह्मण सब यहाँ पे बैठे ही हैं, ब्राह्मण महात्मा, उपनयन संस्कार जब होता है तब कुछ ना कुछ भिक्षा देना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने देखा स्वयं भगवान आए हैं, कमंडल दे दिया भिक्षा में। अब यहाँ पे चंद्रमा ने दंड प्रदान कर दिया, आकाश ने उनको छत्र प्रदान किया, और यहाँ पे यक्षराज कुबेर उनको भिक्षा पात्र प्रदान किया, स्वयं अन्नपूर्णा देवी उनको भिक्षा प्रदान करते हैं, सरस्वती देवी उनको अक्षमाला प्रदान किए, और सप्त ऋषि उनको कुश आदि प्रदान करते हैं, पृथ्वी देवी उनको कठौ आदि प्रदान करते हैं, और माता अदिति और कश्यप ऋषि उनको कौपिन मृगचर्म आदि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सारे देवता ने उनको पुष्प पुष्टि करते हैं और भगवान वामन देव की जय जयकार करते हैं। बोलो भगवान वामन देव की जय। वामन देव का अब हो गया उपनयन संस्कार, जितने भी उपनयन संस्कार के बाद विधि है उस सारे के सारे भिक्षा को गुरु के चरणों में दे देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्व लब्धार पणय नचव, ये सबको सब गुरु के चरणों में दे देना चाहिए। अब बटुक ब्राह्मण रूप धारी भगवान ने क्या किया, जितने भी उपहार मिला था सबको सब देव गुरु बृहस्पति के चरणों में दे दिया। बोले गुरुदेव आपकी भिक्षा, बोले इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में आपको काम नहीं चलेगा। बोले बोलिए गुरुदेव आदेश कीजिए क्या करना होगा। देखो इस समय आपको तो त्रिलोक का जो संपत्ति उसको मांग के मुझे लाके देना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, सारे के सारे कमंडल जनेऊ और दिव्य छत्र धारण करके भगवान धीरे धीरे चले जा रहे हैं नर्मदा नदी के तट पे। जाते जाते भृगकच्छ नाम पे वहां पे बलि महाराज जी 100 यज्ञ बस पूरा ही करने वाले हैं, 100 यज्ञ बस अभी पूरा होने वाला है, और भगवान प्रकट हो गए। इतने भगवान का दिव्य तेज देख करके वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी उद्गाता ब्रह्मा होता सबके सब, और उनके साथ बलि महाराज और इनके पत्नी पुत्री सबके सब वहां पे खड़े हो गए, और खड़े होते हुए उनको प्रणाम करते हैं। विधि है अगर सभा में अगर कोई गुरुवर्ग आ जाते हैं, कोई दिव्य पुरुष आ जाते हैं ना, वहां पे खड़े होके उनको सम्मान करना चाहिए। तो सबके सब खड़े हो गए। यद्यपि असुर कुल में जन्म ग्रहण किए हैं बलि महाराज, फिर भी इनमें प्रहलाद महाराज जी का संस्कार है। अब खड़े होके जाके तुरंत प्रणाम किया, जय हो मेरा आज तो पूरा ये हवन मेरा क्या हो गया, सफल हो गया कि मेरे घर में स्वयं आप
बटुक ब्राह्मण रूप में ब्रह्मचारी पधार गए तो स्वयं भगवान साधु को देखते हुए उनको प्रणाम करते हुए वहाँ पे बलि महाराज जी ने उनके चरण धोत करते हैं। तत्पाद जलम जन कर्म सपा हम वहाँ पे चरण धोत करते हुए सारे चरणामृत को सबके ऊपर दिया। फिर बोलते हैं स्वागते तु नमस्तुभ्यम वरदार्षवम ब्रह्मचारी, बता रहे हैं स्वागते तु नमस्तुभ्यम, हे प्रभु आपका स्वागत हो, हे प्रभु आपका स्वागत हो, आप कृपा करके यहाँ पे स्थान ग्रहण करो और आप कृपा करके मुझे कुछ बर मांग लो, मुझे कुछ भिक्षा में मांग लो। बता रहे हैं गाम कांचन गुणवा धाम मृष्टि अथवा अन्न पेयम अथवा विप्र कन्या, आपको क्या चाहिए, गांव चाहिए, कोई गांव चाहिए, कोई गांव, कोई गाय चाहिए, कांचन कोई सोना आवरण चाहिए क्या, अन्न पेय कोई खाद्य पीने का पदार्थ चाहिए क्या आपको, या तो कोई अश्वन कोई अश्व चाहिए क्या, घोड़ा चाहिए या गजान कोई हाथी चाहिए क्या। यहाँ तक तो बोलोगे आप अगर बोने हो तो बटुक ब्राह्मण आपके जितने भी ढूंढान कर एक चोरी ले आऊंगा, अथवा विप्र कन्या भी आपके लिए ले आऊंगा, बताइए आपको क्या चाहिए, और तो और मैं आपको पूरा का पूरा एक घर भी बना के सुंदर घर भी दूं, घर के बाद तो छोड़ो एक गांव भी आपके नाम पे कर सकता हूँ, तीन लोगों का संपत्ति मेरे पास है, बोले महाराज जी का अहंकार, बता रहे क्या चाहिए आप बताइए। भगवान वामन देव बोले नहीं नहीं मैं तो मिलने के लिए चले आया, मैं तो बस आपको देखने के लिए चले आए। बलि महाराज बोले माफ करना ब्राह्मण बिना काम से कहीं किसी के द्वार पे नहीं जाते, निश्चित रूप में आपको कुछ ना कुछ चाहिए आप बताइए। तो तब भगवान ने वहां पे बलि महाराज जी का स्तुति करते हैं, किस प्रकार का स्तुति, तो हमारे एक टीकाकार श्रीधर गोसाई बोले दातु स्तुति ही प्रियम सदा, बता रहे हैं कि जिस समय अगर दाता कुछ दान दे देना उनका कुछ प्रशंसा करना चाहिए, तो उसी दृष्टिकोण से भगवान बता रहे हैं कि देखो बलि तुम्हारे कुल में ना बड़े बड़े योद्धा आए, हिरण्याक्ष तो क्या बात करना पृथ्वी को रसातल में ले गया, इतना बड़ा योद्धा था, और हिरण्यकश्यप को देखो स्वर्ग के राजा को इंद्र को झाड़ू लगवाता था, और स्वर्ग के सारे राजा को स्वर्ग के जितने भी देवता को अपने कार्य साथी था अपने काम करने के लिए रख दिया था, इसी प्रकार तुम्हारा घर में जो हिरण्याक्ष का भी इतना तेज है, और तो और तुम्हारे जो पिता विरोचन उन्होंने तो यहाँ तक दान दिया, मैंने सुना है कि उन्होंने आयु भी देवताओं को, छल में देवता आए थे उनको आयु भी दान दे दिया, और क्या कहना। बलि महाराज जी का तो सीना चोरी हो गया, जय हो जय हो। हाँ तो बोलते हैं प्रभु आप कृपा करके कुछ मांग लो मुझे, तब ब्राह्मण देवता बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बलि महाराज बोलते हैं देखो आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, आपको निश्चित रूप में मांगना ही पड़ेगा। जगत बोलते हैं ब्राह्मण को शर्मा जी वो ब्राह्मण ही क्या हो जो शर्मा जी, आप शर्माओ मत, आप कृपा करके मांग लो कुछ ना कुछ। ठीक है भगवान ने बोले देख बलि मैं तो मांगने नहीं आया था, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मैं मांग लेता हूँ। ददानी त्रीणी दज्जानी पदम, मेरे पांव से तीन पद भूमि दे दो मुझे। बलि तो ठाका मार के हंसने लगा, बोले प्रभु आप क्या मांग रहे हो, आपके पास तीनों लोक का संपत्ति का जो दानी है आप कुछ भी मांग सकते हो, तीन पद भूमि अपने चरणों में हो भी आप मुझे बोलो, आप कितने मतलब पूरा ब्राह्मण स्वरूप हो इतने छोटे जगह का क्या करोगे, मुझे बोलो मैं नाप दूंगा अपने चरणों में, या तो कुछ ना कुछ कमरे तो बना लोगे। तो भगवान बोला देख बोलिए हमें तो कोई कोठी वोटी का घर मकान का कोई आवश्यक नहीं है, हमें तो बैठ के एक जगह पे बैठ के भजन करने का मतलब बस इतना ही स्थान चाहिए, और ब्राह्मण जो होते हैं ना उनका जो मन है और जो दाता देते हैं उनका तो मन विशाल होते हैं, लेकिन जो दानी जो ग्रहण करते हैं दान को ग्रहण करते हैं उनका मन ना हर समय विचलित हो जाता है, वो सोचते हैं कि मैं ये मांगू असंतोष हो जाते हैं, इसलिए मैं तो भाई संतोषी ब्राह्मण हूँ मुझे केवल तीन पद भूमि दे दो। शुक्राचार्य का आंख टेढ़ा हो गया, शुक्राचार्य गुरु ने देखे, हमने भी जीवन में बड़े बड़े ब्राह्मण देखे हैं, बड़े बड़े अष्टोत्तर किए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण झगड़ा करते हैं जजमान से ये दो वो दो बोल के, हमने भी बड़े बड़े ब्राह्मण देखे हैं, लेकिन ऐसे ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण हमने कहीं नहीं देखा, आंख बंद कर लिया। भगवान वामन देव ने देखा ये शुक्राचार्य गुरु ना कुछ गड़बड़ी करने वाले, आंख बंद कर दिया। तो अब भगवान बोले देख बोली तुम्हें देना है तो जल्दी दे दो,
तुम्हें देना है तो जल्दी करके दे दो। हम ब्राह्मण हैं, एक जगह पे नहीं रुकते। हम ब्रह्मचारी हैं, एक जगह पे हम नहीं रुकते। हमारा संध्या वंदन करने का समय हो रहा है। स्नान आदि आनिक करेंगे, हम संध्या गायत्री करेंगे। तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ब्राह्मण देव को बलि महाराज जी का इस प्रकार का पढ़ा दिया तो बलि महाराज बोले ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं, संकल्प कर लो। बलि महाराज बोल रहे कि तीन पद भूमि के लिए क्या संकल्प करना। वामदेव बोले देख बलि, हम ब्राह्मण हैं, संकल्प भी अगर विधि पूर्वक अगर दान दिया जाए वो ही तभी फलीभूत होता है। संकल्प कर लो, चाहे तीन पद हो या एक पद, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब संकल्प का जल उठाया, शंख में जल लेके बलि महाराज जी ओम विष्णु 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 करके संकल्प किया। अब यहाँ से शुक्राचार्य झट करके आगे बलि महाराज जी को हाथ को पकड़ दिए। बोले सावधान बलि। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले देख लो ये कौन है, देख लो ये कौन है। बोले बामन है। बोले बामन नहीं है, ये त्रेपन है। ना बामन है ना त्रेपन है, ढंग से देख बलि। जो तुम्हें छोरी बन के आया था और अमृत के बजाय सुरा पिला दिया, अभी ये गोना बन के आया है, बटुक ब्राह्मण रूप में धारण करके आया है। एसो भैरो चनह विक्रम साक्षात परम हरि अदिति कश्यपो जातो देवता कार्य साधिता। देवता कार्य साधिता, देवता के कार्य करने के लिए यह अभी ब्राह्मण के रूप में आया है। तो बलि महाराज जी बोले जय हो, मेरा अहोभाग्य है। अगर ये भगवान है तो मेरा अहोभाग्य है। जिन भगवान को मांगने के लिए जगत हाथ पसारते हैं, ये मेरे पास आज हाथ पसार करके कुछ मांगने के लिए आ रहे, और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है? अगर ये अगर साधारण ब्राह्मण निकलेगा तो क्या होगा? ये तीन पद लेके तो यहाँ से चला जाएगा। अगर ये कुछ उत्पटन किया तो इसको मैं दंड भी दूंगा। लेकिन ये अगर साक्षात भगवान हो गए तो मैं उनको क्या करूंगा? ना पूरा का पूरा मुझसे ऐसे भी छीन के ले जाएंगे। अगर मुझे अगर दान भी नहीं दूंगा तब भी छीन के ले जाएंगे। इनमें इतना शक्ति है भगवान में। तब वहां पे बता रहे हैं कि वहां पे जैसे ही बलि महाराज का इस प्रकार का वाणी सुन के शुक्राचार्य गुस्से में आगे बोला, चिरात भ्रष्टते श्रेय, तुम्हारा श्री भ्रष्ट हो जाए, तुम्हारा श्री हीन हो जाओ, तुम्हारा अभिशाप दे दिए। अब बलि महाराज जी का कृपा किस पे था? ब्राह्मण पे था। ब्राह्मण ही अभिशाप दे दिया, ब्राह्मण ही उनको अभिशाप दे। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा बता रहे बलि महाराज जी, देखो इन्होंने किस प्रकार भगवान के लिए गुरु को त्याग कर दिया, भगवान के लिए गुरु को त्याग कर दिया। अभी गुरुदेव बता रहे ना, जाको प्रिय न राम वैदेही त्यज पिता है कोटि बरहि शम जदपि परम स्नेही त्यजो पिता प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि त्यजो गुरु गोपी स्वजन भय मधु मंगलहारी। बता रहे जाको प्रिय न राम वैदेही त्यजे कोटि बरहि शम जदपि परम स्नेही त्यजो बलि गुरु। कौन? ना प्रहलाद महाराज जी ने पिता को त्याग कर दिया, भरत महाराज जी ने अपने माता को कैकेयी को त्याग कर दिया, और यहाँ पे बता रहे हैं कि बलि गोपी ने स्वजन को त्याग कर दिया, और बलि महाराज जी ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया। देखो इसका क्या गति है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे देखा शुक्राचार्य ने इस प्रकार का, तो बलि मान नहीं रहा है, संकल्प करने के लिए पानी उठा चुका है। अब शुक्राचार्य ने एक भृंग रूप धारण किया, एक भौरे के रूप धारण करके क्या किए, उसके अंदर चले गए, शंख के अंदर चले गए। और जैसे ही बलि महाराज जी ने संकल्प करके जल को नीचे छिड़कने की कोशिश कर रहे थे, अब उसमें अवरुद्ध हो गए शुक्राचार्य। भगवान वामनदेव सब समझ गए, ये शुक्राचार्य गुरु ने ही कुछ कर दिया गड़बड़ी, अभी देखता हूँ। बोले लाओ बलि, लग रहा है पुराना है तुम्हारे संग जंग लग गया होगा, लाओ। अपने एक बैग से सप्तऋषि द्वारा प्रदत्त कुश को निकाले, और जैसे ही कुश को मारे शुक्राचार्य का एक आंख बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, एक आंख गया। भागते हुए शुक्राचार्य निकल के वहीं से भाग गए। अब बलि महाराज जी ने जैसे पानी नीचे छिड़क दिया, भगवान ने अपने त्रिविक्रम रूप को धारण किया, विराट स्वरूप को धारण किया। बल भक्तवशल भगवान त्रिविक्रम देव की जय। अब धारण करते हुए भगवान ने एक पग में तो भूत भुवा महासत्य लोक तक नाप लिया, और जहाँ पे ब्रह्मा लोक तक नाप लिया, और ब्रह्मा जी ने वहां पे
भगवान का चरण धोते करते हैं और गंगा जी को वहाँ पे ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ पे भगवान का गंगा जल से भगवान का चरण धोते किया। दूसरे पद में अतल बितल सुतल तलातल रसातल पातल तक नाप लिया भगवान ने। अब देख रहे हैं बलि महाराज जी की तरफ, सोच रहे हैं कि देख बलि, बलि को पहले तो क्या क्या देखो, अब बताओ एक चरण में तो पूरा का ऊपर का सारे लोग, सात लोग नीचे का सारे लोग अब मेरा हो चुका है, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि महाराज जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, बोले वरुण फांस से बांध दो इसको, वरुण फांस से बांध दे बलि को। बलि महाराज जी प्रणाम करते हुए ऐसे ही सर झुका के बैठे हुए, तो बलि महाराज जी बोल रहे हैं प्रभु आप ही स्वयं गीता में कहते हो, देखो इदम क्षत्रिय कुंतेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर भी एक क्षेत्र ही है, आपने इतने सारे क्षेत्र को तो नाप लिया है शरीर रूपी क्षेत्र, और बताओ दान बड़ा है ना दानी बड़ा है। बोले दानी बड़ा है, तो दानी तो अभी बाकी है, दान तो मैंने दे दिया आपको सब, अब तो दानी बाकी है, प्रभु आप तीसरा चरण मेरे सर पे रख लो। अब भगवान ने तीसरा चरण निकाल करके बलि महाराज जी के सर पे रखते हैं, और सर पे रख के सीधा सुतल लोक पे ले गए बलि महाराज जी को। जैसे ही सुतल लोक को ले जाते हैं वरुण फांस में बांध दे, उसी समय ब्रह्मा शिव जी देवता लोग बोले अहो ये किस प्रकार का दीन वत्सलता है, इस किस प्रकार का भक्त वत्सलता है, एक तो छल रूप के धारण करके आप आए, दूसरे बलि जैसा आत्म समर्पण किया ना, नवदा भक्ति में बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्या आत्म निवेदनम, ये बलि जिस प्रकार का आत्म निवेदन किया और दूसरा कोई नहीं किया, ये किस प्रकार का आपका करुणा है। तो भगवान बता रहे हैं ब्राह्मणो जन अनुग्रहामि, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उससे सबसे पहले उसका धन को छीन लेता हूँ, सबसे पहले उसका धन को छीन लेता हूँ, और जैसे ही उसको स्वजन उसको त्याग कर देते हैं मैं उसको तुरंत अपना लेता हूँ, मैं तो बलि का परीक्षा कर रहा था। अब बलि महाराज जी को बोलते हैं प्रभु कि ठाकुर जी बोलते हैं कि मांगो बलि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो बलि महाराज जी बोले प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपके जो बटिक ब्राह्मण स्वरूप है ना ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा सुंदर रूप है, आप मुझे कृपा करके हर दिन इस स्वरूप का दर्शन देते रहो। तो भगवान ने बोले देखो मैं आया था किस चीज के लिए, भगवान ने इंद्र पद को देने के लिए आए थे, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे संपदा तो मैं अपने गुरु को दे दूंगा, वो तो इंद्र को दे देंगे बृहस्पति को, लेकिन देखो मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना देता हूँ, अगले मन्वंतर में अभी से ही तुम्हारे लिए फिक्स रजिस्ट्रेशन कर दिया कि तुम पहले अगले मन्वंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, तब तक तुम सुतल लोक में रहो, अब जो तुम्हारे दर्शन की बात है मैं तुम्हें हर समय तुम्हारे घर के द्वारपाल बन के दर्शन करूंगा, द्वारपाल बन के रहूंगा, तुम जैसे ही आते जाते रहोगे मुझे दर्शन करते रहोगे। अब बलि महाराज प्रसन्न हो गए, भगवान देखो आए थे बलि को बांधने के लिए लेकिन खुद बंध गए, द्वारपाल बनना पड़ा। अब भगवान वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे सुतल लोक में द्वारपाल है, तो लक्ष्मी जी सोच रहे हैं ठाकुर जी कहाँ दिखने रहे हैं, ठाकुर जी गए कहाँ पे, ये लक्ष्मी जी ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक में गई, वहां भी ठाकुर जी नहीं, कैलाश में गई वहां भी ठाकुर जी नहीं, हर जगह जाते हैं लक्ष्मी जी लेकिन ठाकुर जी को कहीं नहीं देख पाते हैं। तब जैसे ही पता चला कि सुतल लोक में है जाके देखते हैं, देवतागण बोलते हैं आपके पति तो वहां पे द्वारपाल रूप में है, तो लक्ष्मी जी जाके देखते हैं कि क्या ना ठाकुर जी सचमुच द्वारपाल रूप में। अब लक्ष्मी जी सोचे भाई ऐसे द्वारपाल बनेंगे तो वैकुंठ कौन संभालेगा, और लक्ष्मी जी देखे कि बलि महाराज रोज रोज दान देते हैं, दान की जो लाइन लगते लाइन जो लगाते हैं, लक्ष्मी जी भी वहां पे एक ब्राह्मणी के रूप धारण करके लाइन में खड़ी हो गई। अब लक्ष्मी जी जैसे ही खड़ी हो गई वहां पे, बलि महाराज रोज रोज सुतल लोक में ध्यान देते और दान देते समय समय लक्ष्मी जी भी सामने आ गए। अब घूंघट को नीचे करके बोल रहे हैं बलि पहले संकल्प कर लो फिर दान देना, बलि सोच रहे हैं पहले संकल्प किया था अब ब्राह्मण ही आ गया तो बताओ संकल्प कर ही लिया बलि महाराज ने, तो लक्ष्मी जी बोले ब्राह्मण रूप में बोले देखो तुम्हारे जो तो द्वारपाल है ना ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम कर लेता है, मुझे इसको दे दो। तब तो बलि महाराज ने समझ लिए और कोई नहीं हो सकता, ये तो साक्षात महालक्ष्मी भी हो सकते हैं, उनके चरणों में पड़ गए और बोले कि प्रभु को बोले प्रभु मैं आपको आजाद कर दिया आप आज से पुनः चले जाओ। इस प्रकार भगवान भक्त के पूर्ण रूप में वशीभूत होते हैं। बोल बलि महाराज की भक्त वशल भगवान वामन देव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री बलि महाराज की, श्री वामन देव की। देखो
अभी भगवान वामन देव आपके पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि भगवान हमें सारा जीवन ठाकुर जी हमें देते हैं, लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी भिक्षा मांगने के लिए हमारी दरवाजा पर आएंगे। आप लोग कुछ ना कुछ वामन भगवान को भिक्षा देना, ठीक है? प्रचुर धन्यवाद। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगवान भर दे कथा में
कहते श्री अम्बरीश महाराज कथाती हैं कि जो अम्बरीश महाराज ये एकादशी का व्रत रखा करते थे। कहते श्री मद भागवत ग्रंथ में और कोई व्रत बार व्रत का नाम नहीं, कहते श्री एकादशी व्रत की कथा ये भागवत कथा में आती है। इसलिए नियम है हम सबको एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन माताएं एकादशी व्रत रखती हैं? कौन कौन भाई लोग एकादशी व्रत रखते हो? हाथ उठाओ तो। हाँ देखो, सारे बार व्रत को कर चुके थे लेकिन जब एकादशी व्रत आई बोले हमने सारे व्रत रखे लेकिन अभी तक हमने ये पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं रखे। चलो हम पुत्रदा एकादशी व्रत रखते। कृष्ण जन्मभूमि एक एकादशी का नाम अर्णदा। जिनके घर में अन्न शस्य की कमी है वो एकादशी करो, घर में अन्न शस्य आएगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में पैसा की कमी, लक्ष्मी की कमी, वो एकादशी से लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम विजया। अगर ये एकादशी व्रत कोई करेगा तुम्हें कभी तुम फेल नहीं होगी, कोई भी काम करोगे जरूर विजय प्राप्त होगी, इसलिए विजया। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से ये संसार से जीव को मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पापमोचनी। पापमोचनी मतलब क्या? संसार में दुख कष्ट का कारण क्या है? पाप की वजह से। लेकिन वो एकादशी करो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा। अब देखना, कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, साल साल से पड़ा हुआ, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, मृत्यु नहीं हो रहा है, बड़े कष्ट पा रहा है। आप किसी पंडित को बुलाओ, किसको बुलाओ, इनकी जल्दी जल्दी ये शरीर कैसे छोड़े। आप देखना वो कोई बार व्रत का नाम नहीं बोलेगा, बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसको फल दे सकते हो। इतने महिमा। देखो मैं यूरोप गया था विदेश प्रचार करने, एक व्यक्ति 2 साल में हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, इतने पैसा नष्ट हो रहा था सोच नहीं सकते। उसका शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया था, कुछ नहीं, लेकिन मरे ही नहीं। 2 साल तक पड़ा हुआ, जब उनको पता चला भारत से कोई संत आए, मेरे को बुला करके हॉस्पिटल ले गए, ले करके बोले बाबा पिताजी 2 साल से पड़े हुए, इतने कष्ट, इतने पैसा जा रहा है, आप कोई उपाय बताओ। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग एकादशी व्रत करके फल दे दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़ी कठिनी से बीत रहा है, आप कृपा करो। मैंने कहा एक काम करो, संकल्प करो, हाथ में पानी और मैंने फूल दे करके मंत्र पढ़ करके संकल्प कराया। बोले पूरा परिवार संकल्प करो ये एकादशी व्रत, हम मिल करके एकादशी व्रत देंगे। संकल्प किया, मैं जब घर में आया ना हॉस्पिटल से, घर में आते ही फोन आया, बोले बाबा पिताजी सदगति हो गई, पिताजी की मुक्ति हो गई। इसलिए भागवत में देखो कोई व्रत का नाम नहीं है, कोई सोम नहीं, कोई मंगल नहीं। इसलिए व्यास देव जी लिखते हैं एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं वाक्य बिहारी भगवान राम, भगवान नारायण है। जो अलग अलग जो उपासना जो व्रत है, किसकी? शंकर जी की, कहीं हनुमान जी की, कहीं सूरज जी की, कहीं लक्ष्मी की, कहीं शनि की, जगत में 33 करोड़ देवता कितने को मनाओगे? लेकिन अगर बांके बिहारी खुश हो गए, ठाकुर जी खुश हो, कृपा हरि की हो, ताप पर कृपा करे सबको। एकादशी व्रत अगर कर लिया, ठाकुर जी खुश हो गए, सब देवादेवी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप स्वयं एकादशी व्रत की कथा पढ़ करके देखो। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते नहीं, इसको तो विधवा करते हैं, सधवा नहीं करते। क्या मैया जशोदा विधवा साथ में करती थी? क्या द्रौपदी विधवा थी? विधवा नहीं थी। इसलिए शास्त्र में बताया अष्ट वर्षाधिक पुरत आशीति सिति वत्सर, 8 साल से लेकर 80 साल तक कंपल्सरी एकादशी करनी चाहिए। एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या, नरहत्या, भ्रूण हत्या, पितामाता हत्या, सब सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अर्ण भोजन करेगा उसको सारे पाप को भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का शंका भी है, बोले क्या है, बोले इसमें उद्यापना करना पड़ता है। लेकिन हमारे वैष्णव जगत में कोई उद्यापन का नाम नहीं, जब तक तुम्हारी समर्थ है करो, अगर नहीं कर सकते हो हाँ साधु ब्राह्मण कुछ भोजन करा दो। लेकिन जो बहुत लोग डर जाते हैं हमको इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हैं, इसलिए कोई बंधन नहीं है। इसलिए जब तक समर्थ तब तक करो। शास्त्र पढ़ कर देखो, एक समय कोई पति पत्नी थे, सवेरे होते ही झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो आप देखना वैसे तो एकादशी व्रत में कोई व्रत नहीं रहेगा, व्रत उपवास नहीं रहेगा,
अगर पति पत्नी में लड़ाई होगा ना, दो तीन दिन से बाद निर्जला एकादशी चलता है। एक समय पति पत्नी में लड़ाई होगी, हो गई तो पत्नी बोली मैं रसोई नहीं बनाऊंगी आज, पति बोला मैं खाऊंगा तुम तो बनाऊंगा, तुम भोजन ही नहीं करूंगा। उनको लड़ाई करके उन्होंने हो गया, उनको पता नहीं था एकादशी व्रत है आज का दिन। अगले जीवन में ये रूपमांगद महाराज बने, वही रूपमांगद महाराज बने, उसकी पत्नी उनकी पत्नी बन कर एक निर्जला एकादशी का इतना महत्व। इसलिए अनजान भी अगर एकादशी व्रत हो जाती है बड़े पुण्य है। इसलिए ये भागवत कथा में एकादशी व्रत आने वाले कब है, परसों है ना, परसों। अगर भागवत कथा में एकादशी आ जाए ना, समझो चार चांद उसमें लग गए, बड़े भाग्य से, क्योंकि भागवत में ही एकादशी कथा। इसलिए कैसे ये एकादशी व्रत हमारे अम्बरीश महाराज करते थे, हमारे प्रभु जी, इसी को विषय में बोलेंगे। उसको बाद में फिर ये कृष्ण की जन्म सुन करके आप लोग जाना, आज थोड़ी सी समय ज्यादा दे दो, आज भगवान आजी जन्म ले रहे हैं, ठीक है। हम ये बच्चों को सिखा रहे हैं, अभी तो हम वृद्ध हो गए, शरीर भी खराब रहता है, हम चाहते हैं ये सनातन धर्म आगे बढ़ते रहे, हमारे हिंदू धर्म बड़े प्रचार हो। इसलिए इन बच्चों को खड़े करके हम भगवान की कथा बुलाते हैं, ये बच्चे भी धीरे 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 बच्चे भी सीखे। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ में बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जो लोग किसी कारण से नहीं बोले थे एक बार दोबारा बोलिए, अगर आपको कुछ नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा। सभी बोलो हरे प्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त हरिकथा श्रोत मंडली, माता प्रभु भाई बहन, जब श्री सुखदेव गोस्वामी सूर्य वंश का वर्णन कर रहे थे तो उसी के अंदर उन्होंने कथा बतलाई श्री अम्बरीश महाराज की, किस प्रकार सूर्य वंश में राजा हुए नभग और उसी की परंपरा में श्री अम्बरीश महाराज। यद्यपि ससागर सप्त समुद्र पृथ्वी के ये एकमात्र राजा थे, सम्राट थे, तब पर भी भगवान की एकादशी व्रत का पालन करते थे। और कैसे? संपूर्ण इंद्रियों द्वारा। अभी हम सुन रहे थे ना एकादशी, एकादशी अर्थात 11, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां और उनका राजा ये मन। इन 5 प्रकार सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचन सी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु शुद्धि नामम च दास्य न तु काम्य। कह रहे हैं हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते थे, अपने हाथों से भगवान के मंदिर मार्जन करते थे। एक राजा के लिए मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना कोई साधारण बात नहीं है, परिक्रमा। ये एकादशी का पालन करते थे, यमुना तट पर ठाकुर जी का बड़ा सुंदर रूप में श्रृंगार इत्यादि करते थे। पुराणों में तो वर्णन आता है कभी अम्बरीश महाराज जी जब विवाह करके अपनी सभी रानियों के साथ में एकादशी व्रत का पालन करते थे तो सब समय ठाकुर की सेवा में ही व्यस्त रहते थे। और राजा का थोड़ा सा हाथ बटा दूं, उनकी सेवा थोड़ी कम हो जाएगी तो